Să vede, să vede, sub ha să vede, să mă gheța. Am hoja hușii ho, kehna he kehro, urki helpa. Jide ka mazato, sub ha me he. आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहरो सब्जवारी एंड मिसेस बहरो सब्जवारी. सबसे पहले तो रब का बहुत शुक्र कि ऐसी शरीक हयात मिली. आई एम सो सॉरी अगर मुझसे कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो मुझे यकीन है तुम मुझे माफ कर दोगी. आप दोनों में से ज्यादा गुस्सा कौन करता है? हम दोनों. शॉपिंग ज्यादा कौन करता है? सॉरी मेरी हंसी निकल गई. आपको कौन सा एक्टर है जो बहुत गुड लुकिंग लगता है? फवाद खान. ओह माय गॉड. नाम क्या है तुम्हारा? मेरा बाप. नाराजगी की कोई वजह तो बताई होती. हम जमाने को छोड़ देते तुझे मनाने के लिए. क्या आपका अपना है कोई आपसे नाराज? या आपको भी हुआ कभी सच्चा प्यार? तो आप भी बन सकते हैं हमारे शो का हिस्सा. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. आज बात यहां से शुरू करूंगी. बोल के लब आजाद हैं तेरे. हम कभी कुछ बोलते नहीं हैं. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिलों में रखते हैं. बहुत सारे इश्यूज हम डिस्कस नहीं करते, चाहे वो हमारी फेवर में हो, चाहे ना हो, चाहे वो सोसाइटी की कोई बात हो. हमें शर्मिंदगी भी होती है. हमें सबसे ज़्यादा परवाह इस बात की होती है कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ख़ानदान क्या कहेगा. और ख़ानदान की हम यही बातें सुनते हैं कि अगर तुमने ये बात कर ली तो हमारी बेइज्जती होगी, अगर तुमने ये कर दिया तो हमारे साथ ये होगा. हम जब से पैदा हुए हम हमेशा दूसरे का सोचते हैं, विच इज़ गुड, सोचना चाहिए, अच्छी बात है. लेकिन ख़ुद को अज़ियत में रखें, ख़ुद को तकलीफ़ दें. और अगर हम कुछ बात करते हैं उससे कई औरतों की, कई मर्दों की, कई बच्चों की जिंदगियां अगर बच जाती हैं, इज्जतें बच जाती हैं, उनकी जिंदगियों में आसानियां आ जाती हैं, उनकी जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि फिर बोल देना चाहिए, फिर लब खोल देने चाहिए. आज एक बहुत पढ़ी लिखी खातून, एक बहुत अच्छे बड़े शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून आज हमारे साथ हैं. अपनी कहानी आज लाखों करोड़ों लोगों के सामने लेकर आई है. यहाँ पर आने का मकसद उनका यही है कि औरतों को अवेयरनेस दें, लोगों को बताएं कि वो अपने लिए आवाज़ कैसे उठाएं. ज़रूरी नहीं कि आपका ख़ानदान आपके साथ हो, आपके दोस्त आपके साथ हो, कोई आपको कहे कि हाँ तुम बोलो और फिर तुम बोलो, कोई ना भी बोले तब भी तुम बोलो. कमाल तो ये बात है, कोई साथ खड़ा ना हो, आप अकेले खड़े हों और आपकी आवाज़ उतनी ही ऊँची गूंज रही हो, उतनी ही तेज़ हो, उतनी ही कानों में चुभ रही हो, उतनी ही दिल में लग रही हो, उतनी ही दिमाग में लग रही हो, जितना शायद लाखों लोग खड़े हो के एक मजमुआ जो है वो आवाज़ उठाए. तो आज एक खातून की आवाज़ जो हमें कई दिनों से हमारे कानों में वो गूंज रही है, हमारे दिमागों में वो बस गई है, हमारे दिलों को वो लगती है, तो आज हम उनसे बात करेंगे. लालीन सुखेरा एक खातून, बहुत पढ़ी लिखी, जर्नलिस्ट भी हैं और लिखती बहुत अच्छा है. आज वो अपनी स्टोरी हमारे सामने लेकर आई हैं. लेकिन कहानी क्या है, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा?
उससे आपकी जिंदगियां कैसे आसान होंगी, उससे आपके बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल कैसे खूबसूरत बनेगा, उससे आपका हक कैसे नहीं मारा जाएगा। आज वो यहाँ पे बोलेंगी, अपने हक के लिए आवाज़ आप घर बैठे खुद उठाएंगी, क्यों औरतें हमारी ख्वातीन उसी से ज़्यादा गुजर रही हैं। मैंने अपने रिसेंटली किसी इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास जब हम छोटे थे, अम्मी अब्बू अलग हुए क्या, तो हमारा बचपन कहीं धुंधला सा रह गया, कभी इधर कभी उधर, उन चीज़ों में कि अच्छा हम हैं किसके, हम माँ के हैं या बाप के हैं, हम पे हक किसका ज़्यादा है, माँ का ज़्यादा है या बाप का ज़्यादा है। आइए फिर बंद कर देंगे प्लीज़। तो समझ नहीं आता था कि आखिर हम पे हक किसका है। बाद में कोर्ट के थ्रू बताया गया कि नहीं, इस एज तक जो हक है वो सिर्फ माँ का है, औलाद माँ के पास रहेगी, उसके बाद औलाद की मर्ज़ी है कि वो माँ के पास जाना चाहे या बाप के पास जाना चाहे। तो ये तो एक लंबी कहानी है। आई एफ पी आप लोग नहीं बंद करेंगे मुझे लगता है। अच्छा, तो मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवाती हूँ, और यहाँ पर मैं सब ऑडियंस से चाहूँगी, तो सबसे पहले तो लालीन के लिए हम सारी ख्वातीन, हम सारी लड़कियाँ खड़े होकर तालियां बजाएं कि आज यहाँ पर आके बात कर रही हैं। ये आपके लिए है एंड यू डिजर्व दिस। और मैं बता दूं कि आबदा जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान, और हमारे साथ यहाँ पर महाजबीन मौजूद हैं, और एडवोकेट हाई कोर्ट और साइको लीगल काउंसलर। ये मैंने सुना तो बड़ा मैं वही कि आज शायद कुछ बच्चों की, कुछ ख्वातीन की और मर्दों की भी थेरेपी यहाँ पे शायद हो जाएगी आपकी बात करने से। लेकिन लाली आप परेशान हैं, मैं तो जितना कॉन्फिडेंट आपको देखा है शायद मैंने किसी खातून को इतना कॉन्फिडेंट अभी रिसेंटली नहीं देखा। बट यू लुक अपसेट, यू लुक डाउन, यू लुक कन्फ्यूज, वाई? जी इट्स अ कन्फ्यूजिंग टाइम, बट मैं कोशिश करती हूँ कि आई स्टे पॉजिटिव एंड कीप फाइटिंग द गुड फाइट, बिकॉज आई थिंक ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है, और इस मुल्क में हर दूसरी औरत की कहानी है ये जो आपकी कहानी। और इस हमारे मुआशरे में, हर तबके में ये हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ यू नो एग्जैक्टली एजुकेटेड, ज़्यादा प्रिविलेज में भी हो रहा है, अंडर प्रिविलेज में भी हो रहा है, ऑल ओवर द कंट्री। और इट्स अ सोशल प्रॉब्लम, इट्स अ सोशल प्रॉब्लम। हमारे लॉज काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग दोज लॉज इज़ अ रियली बिग प्रॉब्लम। पेनल्टीज नहीं होते हैं, एंड ये कोर्ट्स कहते हैं कि ये बच्चों का हकूक होता है, बच्चों के वेलफेयर के लिए हम हैं, लेकिन जब उन पे साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो रहा है और उन पे फाइनेंशियल अब्यूज़ हो रहा है, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपनी फैमिली से, तो फिर व्हाट काइंड ऑफ child welfare are we providing our children, our system? Acha, main agar puchna chahu aapki shaadi kab hui, theek hai, shaadi ke baad kya problems aayi? Mashallah teen bacche aapke, kabhi aapke paas hote hain jab aap awaaz uthati hain, ladti hain to aapke paas aate hain, otherwise aapke paas nahi hote, theek hai? हमें इस, मैं बड़ा आसान लफ्ज़ों में लोगों को ताकि समझाना चाहूँगी कि डॉक्टर इमरान, मैं आज अभी गाड़ी में ये सोचती आ रही थी, और जब से हमें लालीन से हमारी बात हो रही है, कि हम सोचते हैं कि हमने अपनी वो जो क्लासेस रखी हुई है ना, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर अपर, तो मिडिल अपर, तो ये सारी क्लासेस जो हमने सजाई हुई हैं और अब जिनकी बात करते हैं, जो कि ठीक है, हमें लगता है कि जी पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, वहीं पर मसला होता है। लेकिन आप यकीन करें, हम लोग बहुत जगहों पे जाते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे लोग देखती हूँ जहाँ पे मुझे लगता हुआ है कि इनके बीच में तो कोई मसला ही नहीं होता होगा, यहाँ पे तो कोई इतने पढ़े लिखे लोग सब रहते हैं, या तो कोई वहाँ पे दाल चावल पे भी लड़ाई होती है कि बहू ने बनाया तो बेटे ने तारीफ़ की, तो मैंने बनाई तो बेटे ने तारीफ़ की। एंड मैं सुन के हैरान होती हूँ कि इन घरों में भी दाल चावल पर झगड़ा है, बेटे ने मेरी तारीफ़ नहीं की, जिनको ना पैसे की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना डायमंड्स की कमी है, ना घूमने की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये क्लासेस नहीं है, क्लास नहीं, ये आपका, आपके दिमाग का ये है। मैं वही कहती हूँ, पढ़े लिखे लोग भी जाहिल होते हैं
اور جو نہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان میں بھی بہت شعور ہوتا ہے, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے. اور آپ کا مسئلہ وہ ہے کہ ایک بڑی فیملی, پڑھے لکھے لوگ, اور وہاں پہ بھی یہ ایشو ہے کہ بچے تو میرے, مجھ سے چھین کے دکھاؤ, مجھ سے لے کے دکھاؤ. تو میں چاہوں گی کہ آپ بہت آسان لفظوں میں لوگوں کو بتائیں کہ آپ کس چیز سے سفر کر رہی ہیں, آپ نے کس چیز سے گزر رہی ہیں تکلیف سے, آپ کی شادی کب ہوئی, کیا ایشوز آئے, اور بچے اب کہاں ہیں, اور آپ کو کیوں نہیں ملنے دیتے, ملنے دیتے تو اس کے لیے آپ کو کتنا فائٹ کرنا پڑتا ہے. جی, میری شادی ہوئی تھی 13 سال پہلے, اینڈ 2 سال سے میں سیپریٹڈ ہوں, اور میری 3 بیٹیاں ہیں. ہائی کورٹ نے مجھے ان کی کسٹڈی بھی دی تھی, اور وزٹیشن اسکیڈول بھی ہے ان کے فادر کے ساتھ, لیکن جب بھی وہ ان کو دیکھتے ہیں, بچوں کو لے جاتے ہیں, وہ واپس نہیں کرتے. تو پھر میرے چکر پڑتے ہیں پولیس اسٹیشنز اور لوور کورٹس, ڈسٹرکٹ کورٹس, ہائی کورٹس, لاہور میں, اسلام آباد میں, ہر دفعہ چکر پڑتے ہیں, پھر چکر پڑتے ہیں, اور پھر بچوں میں ٹراما بھی ہو جاتا ہے, اور اسکول بھی مس ہو جاتا ہے, اور اٹس جسٹ اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. کانسٹنٹ بلیک میل, اور کانسٹنٹلی ہم کنٹیمپٹ پٹیشنز بھی فائل کرتے ہیں, اور اینڈ آئی ایم اے ورکنگ مدر, آئی ورک ٹو سپورٹ مائی چلڈرن, کیونکہ ہمیں ایڈیکویٹ مینٹیننس بھی نہیں مل رہا, یو نو. آئی ایم اے ورکنگ مدر, اینڈ پھر کورٹ کے چکر بھی, اور پھر یو نو بچوں کا بھی. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ یو نو بچے سفر نہ, لڑکیاں ہیں, 11 سال کی بیٹی سب سے بڑی, 11 سال کی ہو گئی ہے میشا, 10 سال کی ایشا, اور سب سے چھوٹی 4 سال امل جی, تو 4 سال, اب یہ 5 کی ہوئے گی نیکسٹ ویک. بٹ اب وہ بھی یو نو ڈر گئے ہیں کہ اپنے لائک دیئر اون فادر, دے کانٹ ٹرسٹ دیئر اون فادر اور ہز فیملی, وچ از ویری سیڈ. کوئی وہ کوئی سپورٹ نہیں دیتے ہیں, دے سے کہ ہم کیا کریں, وہ تو نہیں بات سنتے ہیں. ہم لائک یہ آپ کی بھی ہے اولاد ہے, آپ بھی کچھ یو نو شادی کے دوران تو آپ سارے موجود تھے, تو جب شادی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آپ سب کہاں غائب ہو گئے ہیں, پھر شادی کا مطلب کیا ہے؟ سو اچھا ابھی کیا مینٹیننس نہیں دیتے آپ, ان کی اسکول کی فیس, بچوں کی جو اخراجات ہیں وہ آپ خود اٹھاتی ہیں, اور جب بچے آپ کے ہسبینڈ, ایکس ہسبینڈ جب لے جاتے ہیں تو اس وقت ان بچوں کا خرچہ تب بھی کیا آپ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ ہاؤ از اٹ لائک؟ بیسکلی مجھے ابھی انٹرم مینٹیننس مل رہا ہے, وچ از چھوٹا سا فریکشن آف دا ایکچوئل کاسٹ, کیونکہ ابھی تک میرا مینٹیننس کیس 2 سال سے چل رہا ہے کورٹ میں. سو ایک تو وہ ہے, دوسرا ابھی میری چیزیں بھی ان کے پاس سے وہ واپس نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, پاسپورٹ, ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ جی لیگل فیس بھی آبویسلی بہت ہوتی ہیں, یو نو خرچہ ہوتا ہے بچوں کی تعلیم کا, اور یہ دس از اے ویری ایجوکیٹڈ, سو کالڈ ایجوکیٹڈ فیملی, دے اون اسکولس, اٹس اے اسکول اوننگ فیملی. جیسے ابھی سنم نے پوچھا کہ آپ کی میرٹل لائف میں بیسک ایشوز کیا تھے جس کی وجہ سے اتنے بڑے کانفلکٹس ہوئے کہ آپ لوگ الگ ہوئے؟ اس سے پہلے نہ جائیں, شادی ہوئی کیسے, سلیکشن کیسے ہوئی, جو بھی بات اگر آپ بھی بات کرنا چاہیں, کوئی بھی سوال, کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں پتہ ہوں گی نا, کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے. ایسی کون سی, کیونکہ ہم ظاہر عوام الناس کے لیے پروگرام کر رہے ہیں, ایسی کون سی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ایسی کون سی غلطیاں ہوتی ہیں, کس طرح ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں, کب ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں, بہت ساری چیزیں کیسے اگنور کر لیتے ہیں. سلیکشن کا اگر اختیار ہمارے پاس ہے تو ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ جن لوگوں پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سلیکشن کر رہے ہیں, وہ کتنے صاحب الرائے ہوتے ہیں؟ ایکچولی میں ایک ڈیٹا پڑھ رہی تھی, ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے, ہر سال پاکستان میں 40,000 ڈیورسز ہو رہی ہیں اس وقت, انکلوڈنگ 40,000 ایوری ایئر, اور سیپریشنز اس سے الگ ہیں کہ جو میاں بیوی علیحدہ ہوئے ہوئے, لڑائی جھگڑے 2-2 سالوں سے, خاتون مل کے بیٹھی ہے, وہ الگ. تو اور اس میں جو زیادہ میجورٹی ہے وہ ان کپلس کی ہے جن کے بچے ابھی مائنرز ہیں, اور یہی کسٹڈی کیسز اور یہ کیسز پینڈنگ ہیں اور سب کچھ. تو آپ ہمیں جو بھی ڈیٹیلز بتائیں گی, کہ بہت اچھا سوال ہے کہ کیا سلیکشن میں میٹ کے کوئی کوتاہی ہوئی, چنا کیسے, کیونکہ ماشاء اللہ آپ بھی پڑھی لکھی ہیں تو آپ نے بھی اپنا اختیار استعمال کیا ہوگا چننے کے لیے,
تو اگر آپ بعد میں کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنے فیصلے کے اوپر افسوس ہوا, اس وقت کیا کیفیت تھی, کون سے کرائیٹیریا تھا جس کے اوپر آپ نے کہا کہ مجھے فیصلہ کر لینا چاہیے؟ اور ظاہر ہے جب آپ ایک شوہر کے ساتھ رہ رہے ہیں, ماشاء اللہ آپ کے 3 بچے بھی ہیں, تو اس میں اتار چڑھاؤ کے بہت ٹائم آئے ہوں گے. ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا جو میں ابھی آپ ہی کے سوال کے ساتھ اس کو وہ کرتی ہوں کہ ایک بچے 11 سال, پھر 10 سال, اور یقیناً اتنے سالوں میں تقریباً 13 سال آپ لوگ ساتھ میں گزارے, تو بہت سارے ایشوز آئے ہوں گے کہ بہت اتنے جھگڑے ہوئے ہوں گے. 11.5 سال ساتھ گزارے, اس کے بعد 4 سال کی بچی بھی ہے, ٹھیک ہے, تو جب یہ پتہ ہے کہ ایشوز چل رہے ہیں, یہ ہے اولاد ہے, پھر مطلب ٹھیک ہے اولاد خدا کی, ایک ایک کر کے ان سے سوال کے پہلے ہی نروس ہوئی ہوئی تھی. ہاں فائن, آپ ان کو جواب دے دیں, پھر میں آپ سے پوچھوں گا سوالوں کا. سب سے پہلے ڈیورس کا جو سٹیٹسٹک آپ نے کہا ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ پہلے زمانے میں ساری شادیاں خوش تھیں اور اب نہیں خوش ہیں اور اب ٹوٹ رہی ہیں. ایکچولی یہ ہو رہا ہے کہ اب ہم اپنے حقوق, وی انڈرسٹینڈ آور رائٹس بیٹر, اور یہ ناٹ جسٹ آور رائٹس, ہمارے بچوں کے رائٹس, اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریز آور چلڈرن ان اے ہاؤس ویئر دا فادر از ابیوسو. اور ہاؤ ڈڈ یو گیٹ میریڈ, جو ان کا سوال تھا, شادی کیسے ہوئی؟ جی وی ور انٹروڈیوسڈ, اینڈ میں لاہور کی ہوں اینڈ ہی از فرام اسلام آباد, سو وی ڈڈنٹ ریئلی ریئلائز کہ یو نو جب رشتہ آتا ہے تو they obviously show you their best side. So the side I saw was ke ye owners hain Frobel school ke, ye padhe likhe hain, unki ammi you know founder hai school ki, and they're very empowered and you know acche nek log hain. Aur I grew up with my parents, unki kabhi ladai bhi nahi hui thi, and mujhe this is a new world for me. Mujhe to bahut, it was like a shock, a nightmare. لیکن آبویسلی ہم پاکستانی سوسائٹی میں ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ سارا آپ کا فالٹ ہے, اگر وہ فزیکلی ایموشنلی ابیوسو ہے تو یہ آپ کی فالٹ ہے, آپ کچھ غلط کر رہی ہیں تو آپ جا کے ٹھیک کریں. ڈومیسٹک وائلنس کا شکار رہی ہیں, گھریلو تشدد. جی ڈومیسٹک وائلنس میں بہت فزیکل بھی ہوتا ہے اور ایموشنل بھی ہوتا ہے اور فائنینشیل بھی ہوتا ہے. آپ تینوں سے گزری ہیں؟ آپ تینوں سے گزری ہیں؟ صرف میں نہیں, آئی تھنک موسٹ ویمن, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, بلیک میل ہوتا ہے, آل کائنڈز آف تھنگس آپ کو پتا ہے, اور ہر طبقے میں. اور یہ کب سے شروع ہوا؟ بالکل شروع سے. بالکل شروع سے؟ جی بالکل شروع میں, تھوڑا سا کم شادی کا ایک سال یا پانچ, دو بچوں کے بعد بہت بہت زیادہ. اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, آپ کبھی نہیں لیں گی, ہم تو ہر جج کو برائب کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں ان کا نتیجہ. اب تو میں دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں میں اتنی ویک کیوں تھی, کیونکہ میں اکیلی تھی, مائی فیملی واز ابراڈ, اور ایسے ہی ایوری تھنگ, کرٹیسائزنگ ایوری تھنگ, جیسے ہوتا ہے جب وین اے مین از وانٹس ٹو شو ہز پاور اینڈ ہی وانٹس ٹو سارٹ آف ہی ٹرائز ٹو کہ یو نو میں ماڈرن پڑھی لکھی خواتین سے شادی کروں, پھر اس کے بعد میں ان کو چینج کروں گی اور گھر سے باہر اجازت, ابسولوٹلی کنٹرولنگ, ناٹ الاؤڈ ٹو ورک, ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹیپ آؤٹ ریئلی, ناٹ ویری مچ, ایوری تھنگ اسکروٹنائزڈ, ایوری تھنگ سپروائزڈ, ڈس اپروونگ آف فرینڈس, ڈس اپروونگ آف مائی فیملی, ایوری یو نیم اٹ, ایوری تھنگ. لیکن اگر جیسے سنم کا سوال تھا کہ آپ کی 11.5 سال شادی چلی, تو وہ کون سی وجوہات تھیں اگر آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں اور اتنی فرسٹریٹڈ انوائرمنٹ میں آپ گزارا کر رہی تھیں؟ کوئی اچھی باتیں بھی تو ہوں گی کہ جس کی وجہ سے 11.5 سال. جی دیر از دا گڈ اینڈ دا بیڈ, بٹ دا بیڈ outweighed the good, sadly. Aur maine to bahut koshish ki ke you know marriage counseling ki with you know intermediaries, therapist, bahut koshish ki, do dafa you know separation ki koshish bhi ki ke hum thoda sa calm down kar le, dur hoke dekhe. Unhone kaha nahi, I own you, you have no rights. Aur you know he does abuse substances and he has other women, and acha main koshish karungi hum thoda sa agar urdu mein zyada baat kare,
تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سمجھ سبسٹنس ابیوز ڈرگز وغیرہ منشیات ان کی نشے کی عادت آپ بتا رہی ہیں کہ وہ نشے کی عادت میں سے بھی تھے جی جیسے ہوتے ہیں وہ دوسری خواتین کی طرف رغبت ہے ان کی اور ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پہلے میرڈ تھے یا نہیں تھے اس کے آپ کے بعد ابھی شادی کا ان کا کوئی نہیں انہوں نے لیکن شادی کی اچھا میں آئے آسک کی ہے شادی اس وقت آپ کی کیا سچویشن ہے بچوں کی جی میرے پاس فل کسٹڈی ہے آپ کو کورٹ سے کسٹڈی مل گئی ہے جی جی میرے پاس مجھے انٹرم کسٹڈی میں بھی ملی تھی اور پھر فائنل پرماننٹ کسٹڈی بھی ملی تھی لیکن اس کے باوجود وزیٹیشن رائٹس ملے تھے اینڈ آئی اگریڈ آئی سیڈ آئی وانٹ کہ بچے اپنے باپ سے ملے آئی وانٹ کہ ان کو ریلیشن شپ ہو اینڈ آئی سیڈ جسٹ بیکاز ہماری میرج فیل ہوئی ڈزنٹ مین کہ you know father child Absolutely. father daughter ka relationship toot jaye I don't want that yeah. however ye jab I think jab kai log bahut controlling hote hain they I don't know I wish I understood aapne ye bhi kaha ke wo jab bachchon se milte hain to unko leke chale jate hain violate kar dete hain jo court ke orders hain visitation time pe nahi aati matlab leke chale gaye to wo bacche gayab ho gaye phir then you have to go to thana کورٹ کنٹیمپٹ اپلیکیشن فائل کرنی تاکہ بچے واپس سے آئیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے بٹ کتنی دفعہ جب سے اچھا اور آئی ووڈ آلسو لائک ٹو نو کہ کب ہوئی کسٹڈی کا آپ کو فائنل جو آپ کا ڈیسیشن ہوا وہ کب کسٹڈی آپ کے پاس آئی وزیٹیشن رائٹس کتنے ہیں ان کے دو سال ایگزیکٹلی ٹو ایئرس سنس آئی بین سیپریٹڈ جنوری 2017 میں مجھے انٹرم کسٹڈی ملی اس کے بعد اگست آف دس ایئر 2018 مجھے پرماننٹ کسٹڈی ملی اور تھرو آؤٹ میں جاتی ہوں پولیس کے پاس وہ ایف آئی آر نہیں ہوتا ان کے وزیٹیشن رائٹس کیا ہیں ونس ا منتھ کے ٹوائس ا منتھ ٹو ویکینڈز ا منتھ پندرہ دن میں ایک دفعہ پورے ویکینڈ کے لیے لائک لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی وہ بھی لے جاتے ہیں اچھا آپ کے پاس دیکھیں آپ اگین کیونکہ ہم بہت سارے اپنے عوام الناس کو ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان تکالیف سے نہیں گزریں جس سے آپ جو ہے وہ گزری ہیں آپ ماشاء اللہ جیسے آپ نے کہا میں پڑھی لکھی خاتون ہوں آپ نے اختیار اپنا استعمال کرنا شروع کیا نا تبھی یہ کانفلکٹ آئے آپ نے اپنے رائٹس کی آواز اٹھائی آپ کے اوپر کانفلکٹ آئے اسی لیے آپ کے اوپر دباؤ بھی جو ہے وہ آ رہا ہے تو جب آپ کے پیرنٹس نے انٹروڈیوس کیا تھا تو اس لیے آپ نے شادی کر لی ہو سکتا ہے اس وقت ایک مشرقی لڑکی کے پاس ایک بے بسی کی کیفیت ہے لیکن آگے زندگی گزارنے کے لیے اولاد پیدا کرنے کے لیے اولاد کی پلاننگ کرنے کے لیے اولاد کی پرورش کرنے کے لیے اس میں تو ایک بہت با اختیار ماں جو پڑھی لکھی ماں ہے وہ ہو سکتی ہے تو ابھی بھی جیسے آپ کے بچے ہیں آپ کے بچوں کے اندر جیسے ابھی صنم نے بھی سوال پوچھا تھا کہ آپ کی چھوٹی بیٹی کافی چھوٹی ہے کمپیئر ٹو بڑی بیٹی کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اختیار آپ نے بہرحال استعمال کیا کہ نہیں ہمیں اپنی فیملی کو بڑھانا چاہیے وہ کون سے پہلو تھے جب آپ اتنا بریکنگ دیکھ بھی رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ فیملی جو ہے وہ بڑھا رہی ہیں کیونکہ میں اس لیے سوری آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اپنی عوام الناس جی ایک بالکل ہے اللہ کی دین ہے لیکن یہ اختیاری عمل ہے یہ انسان کو میاں بیوی کو اختیار ہے کہ وہ کس طرح پیدا کریں اور کس طرح پالیں ان کو اور کس طرح ان کے فرائض کو جو ہے وہ ادا کریں ان بچوں کو دنیا میں لانے کے لیے ہم والدین کے فرائض ہیں جو پورے کرنے ہیں اس کے بعد حقوق طلب کرنے ہیں ہم کہتے ہیں والدین کے بہت حقوق ہیں کسی کا بھی حق ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ فرض ادا نہیں کرے گا پہلے فرائض ہوتے ہیں پھر حقوق آتے ہیں چھوٹا بچہ کیا فرض ادا کرے گا چھوٹے بچے کے صرف حقوق ہوتے ہیں جب آپ حقوق پورے کرتے ہیں تو پھر آپ فرائض کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس لیے تھوڑا مطلب آپ کو دوبارہ واپس جو ہے وہ اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا کیا ریزن تھا کہ آپ پھر بھی فیملی جو ہے وہ بڑھانے میں انٹرسٹڈ تھیں جب کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ پہلے ہی دن سے جیسے آپ نے بتایا کہ بالکل شروع سے فزیکل ابیوز کا بھی آپ نے اشارہ کیا آپ نے وربل ابیوز کا بھی اشارہ کیا آپ نے سائیکولوجیکل فائنینشیل ابیوز کا بھی اشارہ کیا اور کچھ آپ نے جیسے دوسری اور جو خصلتیں اس پہ بھی اشارہ کیا آپ نے کیونکہ 11 سال کے لیے کے دوران میں باقی خواتین کی طرح میں چپ رہی اسی لیے اور میری دو بیٹیاں تھیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مرد کیسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بیٹا بھی چاہیے دیکھیں آپ ہو سکتا ہے آپ انہوں نے یہ والی بات کہی ہو لیکن اور دوسرے طرح کے اور بھی مرد ہوتے ہیں میری تو بیٹی ماشاء اللہ میرے سر پہ ناچتی ہے تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر آج بھی مرد بیٹے کی خواہش اور صرف مرد نہیں وہ ساسیں اور نندوں کو بھی خاصا اس کو پر ساس کو بھی اور نندوں کو بھی موسٹلی بہت سے لوگوں سے بہت سی خواتین کے ہمارے پاس کیسز بھی آتے ہیں وہ ہمارے شو کے حوالے سے بھی تو وہ دے ریچ آؤٹ تو میں نے آبزرو کیا ہے
کہ جہاں پر ریلیشن شپ میں اتنا اتار چڑھاؤ ہو کہ آپ 3 مہینے اکٹھے رہیں, پھر 6 مہینے کی سیپریشن, اس ٹراما سے آپ گزرتے ہیں, پھر جب دوبارہ پیچ اپ ہوتا ہے تو آپ ایک بڑی نئی ایفرٹ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں, اس دفعہ اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. وہ جو 4 مہینے کے لیے آپ دوبارہ اکٹھے رہتے ہیں نا, اس میں آپ کی وہ نہ فیملی پلاننگ کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے, آپ کا سارا تھاٹ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی اتنی باتیں سنی ہوتی ہیں. فیملی کی بھی خواتین کو ایز سچ اتنی سپورٹ نہیں ہوتی ڈیورس کے, اس پہ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے اچھا یہ 4 دن کے لیے آئی ہے, تھوڑا بریک مل جائے گا, اس کو سمجھائیں گے اور واپس وہاں بھیجیں گے. تھرو آؤٹ فیملیز بھی لڑکیوں کی برین واشنگ کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹا اچھا چلو پیسے نہیں دیتا, مارتا تو نہیں ہے نا, کم از کم دوسری عورتوں میں انٹرسٹڈ ہے, لیکن تمہارے چلو آتا تو گھر ہی ہے نا, پھر بھی باپ تو اچھا ہے. دے فائنڈ سو مینی ریزنز کہ جو اصل ایشوز ہوتے ہیں نا ان کا سولوشن نہیں ڈھونڈا جاتا. بتاؤں, آئی ایم سوری, یہ بات ہم جب یہ کرتے ہیں نا, میں اس بات سے اگری نہیں کروں گی, کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اوکے فائن, یہاں پہ فل اسٹاپ لگ جانا چاہیے, اور پھر آپ کو ایک نئی لائف شروع کرنے سے پہلے آپ ٹائم لیتے ہو, اوکے فائن ٹھیک ہے اب ہم ٹھیک ہو گئے, ہم کچھ ٹائم دیتے ہیں ایک دوسرے کو, ہم دیکھتے ہیں. اور جب صحیح ہونا ہوتا ہے نا تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے, ادروائز 15-20 دن پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ایک چیز جو ہم اگنور کرتے ہیں اس کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے. ابھی ہم لوگ پچھلے دنوں مینٹل ہیلتھ ویکس اور منتھس مناتے رہے ہیں. خواتین جو, ایسی خواتین جو ڈپریسڈ ہوں, ڈائگنوز نہیں ہوا ہوتا کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہیں, اس ڈپریشن میں وہ کوئی ڈسیزن میکنگ پاور کا ان میں کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے فیملی پلاننگ کرنی ہے یا میں نے اپنا گھر بسانا ہے یا میں نے اس کو چھوڑ کے جانا ہے. آپ کا سپورٹ سسٹم آپ کو مکس سگنلز دے رہا ہوتا ہے, کانفیڈنس کم کر رہا ہوتا ہے. میں صرف 2-3 سوال پوچھ لیتی ہوں, میرے پاس کال بھی ہے, پھر آپ لوگ اپنے سوال ضرور پوچھیے گا. مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ 11.5 سال تقریباً 11 سال آپ نے ساتھ گزارے, اس میں ان کی فیملی کی سپورٹ کتنی تھی؟ بالکل بھی نہیں. مجھے جھگڑا ہوتا ہوگا تو 20 سال کے بعد بیسکلی کہا تھا کہ یہ اٹس یور پرابلم, اٹس یور فالٹ, آپ ہینڈل کرو بس. اور اب اپنی فیملی, آپ کی فیملی کتنا سپورٹ کیا انہوں نے آپ کو؟ مائی فیملی تھوڑی سی انوسنٹ ہے, وی ڈنٹ ہیو ایکسپیرینس ان دس ایٹ آل, تو تھوڑا سا ان کو بہت شاک بھی لگا. ٹھیک ہے, لیکن شروع میں جب وین آئی وینٹ پبلک وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہو, کیوں کر رہی ہو, نہ کرو. میں نے کہا میں اب نہیں سن رہی کسی کی بات. ٹھیک ہے, وہ یہی کہہ رہے تھے ابھی بھی ڈیورس نہ لو. ناٹ ڈیورس, وہ کہہ رہے تھے اب پبلک کیوں ہو گئی ہو. اچھا پبلک کیوں ہو گئی ہو. میں نے کہا کیونکہ اب میں بس ڈیورس کی سپورٹ کی آپ کی فیملی نے, کہ وہ شادی کے کتنے عرصے کے بعد اس بات پہ انہوں نے بھی آپ کو سپورٹ کیا کہ نہیں اب ٹھیک ہے اب علیحدگی کا فیصلہ کر لو؟ کیونکہ 2 دفعہ مجھے گھر سے نکالا گیا اور 2 دفعہ میرے بچے, 2 بچیاں چھینی گئی, دے ور ٹیکن اوے فرام می. پھر انہوں نے پرومس کیا اچھا اب ہم نہیں کریں گے, واپس آ جاؤ, تو میں چلی گئی. اور پھر انہوں نے 8.5 سال بعد جوائنٹ فیملی ہاؤس سے انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اپنا گھر لے لیں گے. سو آئی واز سو گریٹفل فار آر جسٹ ون بیسک رائٹ, آئی واز سو گریٹفل دیٹ آئی سیڈ اوکے چلیں لیٹس ہیو اے تھرڈ چائلڈ. اوکے, اچھا آپ نے ایگزیکٹلی, آئی وڈ لائک ٹو سے سم تھنگ ہیئر. آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ فیملی بڑھا دی جاتی ہے, یا اگر شروع ہی سے دیکھ لیا جاتا ہے کہ ابیوز موجود ہے تو پھر بھی کنٹینیو کرتے جاتے ہیں, اس کی ایگزیکٹلی وجہ یہی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کنفیوزڈ ہوتے ہیں, سب سے پہلا آپ کا 1-1.5 سال جس میں پہلا بچہ آ جاتا ہے وہ اسی میں جاتا ہے کہ شاید میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی, مے بی میں یہ کر کے دیکھوں یا اس کو چینج کر کے دیکھوں, اپنے بیہیویئر کو ایسے چینج کر کے دیکھوں, کیونکہ آپ اپنے گھر سے آئے ہوتے ہیں. اور مرد کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ابھی غیر ذمہ دار ہے, ٹائم دو اس پہ, اس کو جب ذمہ داری کا احساس ہوگا تو حالات بہتر ہو جائیں گے گھریلو. وہ مرد کے ذمہ دار ہونے میں کے اندر جو ہے نا, آپ کے سال گزرتے چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ ایکچولی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ بہت دیکھا ہے, اس کنفیوژن میں آپ کے اتنے سال گزر جاتے ہیں کہ اچھا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو بیسکلی اور پھر وہ یہ بھی ججمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا تو اگر ایسا ہے تو پھر رہ کیوں رہی ہو,
अच्छा तो अगर मारता है या अगर साइकोलॉजिकल अब्यूज़ करता है तो अच्छे टाइम याद नहीं आते, ये भी एक कन्फ्यूजन होती है कि आपको याद दिलाया जाता है, उस डायरेक्शन में मोड़ा जाता है कि ये अच्छा टाइम तुम गुजार चुकी हो. सो अच्छा डोंट यू नो अंडरमाइन दैट. मैंने आपके ट्विटर अकाउंट पे पढ़ा कि जिसमें आपने ये भी लिखा था कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे बच्चों को लेके जाता है इस्लामाबाद के अपने बड़े बड़े घरों में और लाहौर के शायद अपने बड़े घरों में और कराची के अपने बड़े घरों में उनको कैद कर देता है. तो उनको अपनी आपके साथ उनको प्रॉब्लम्स हैं, ओके फाइन, बीवी मियाँ का झगड़ा तो होता ही है, औलाद से उनको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन तो क्या मेंटली बच्चे 13 साल की बच्ची होगी माशाल्लाह, 11 साल की बड़ी वाली जो है, बड़ी वाली बच्ची 13 साल की होगी, 11 साल की होगी. तो 11 साल की जो बच्ची है वो उसको बाय फोर्स ले जाया जा सकता है और वो बच्ची जो है वो बाय फोर्स वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं करती है आपके यहाँ आने के बाद? बहुत करती है, कहती है मैं अब डर गई हूँ. और मैं कहती हूँ कि अपने अपने अबू से कह लो, अपने बाबा से कह दो कि डर रही हो. और यू नो वो कहती है नहीं मैं उनसे डरती हूँ, उनका गुस्सा बहुत है. जब लेने के लिए आते हैं बच्चों को मारते नहीं, नहीं जब लेने के लिए आते हैं तो कैसे यू नो कहते हैं. लेकिन कैद करने से मुराद क्या है कि बस उनको क्या करते? वो कहते हैं कि बस अब हम मेरे पास हो, अब मामा से नहीं मिल सकते, बस ख़त्म. और फिर उनको स्कूल में भी दाखिल करते हैं, दूसरे स्कूल में. जी वो जो अपने जो स्कूल जो ओन करते हैं फ्रोगल्स. और एक्चुअली हाई कोर्ट ने मुझे अप्रूवल दिया था कि मैं यू नो मैं लाहौर शिफ्ट हो जाऊँ, अपनी फैमिली सपोर्ट भी है उधर, इस्लामाबाद में तो मेरा कोई नहीं है. और इट्स जस्ट वो उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने भी कोशिश की कि मुझे फोर्स करें कि वापस जाए इस्लामाबाद, इवन दो उस वक्त मैंने डिवोर्स भी फाइल की थी. फिर डिवोर्स को भी उन्होंने स्टे ऑर्डर डाला था. उन्होंने डिवोर्स दी है वो खुला आपने? अब मैंने खुला लिया. डिवोर्स नहीं, नहीं मेरा राइट ऑफ डिवोर्स था निकाहनामा में, लेकिन उन्होंने मौलवी से मिलके मौलवी से ये करवाया कि है ही नहीं राइट. तो मैंने कहा वो 800 लोग तो शादी लिखा हुआ था बिल्कुल चेंज करवा दिया उसको. उन्होंने कहा कि ये तो नहीं मैंने साइन किया, ये तो कोई और निकाह है. तो फिर 800 लोग लीगल वहाँ पे क्या एविडेंसेस पुट अप हो रही होंगी, उनका डिफेंस कैसे हो रहा होगा, उसको कैसे फाइट बैक जो है वो किया जा रहा होगा. लेकिन मैं अभी भी दोबारा ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके घर में जिस वक्त वो लेने के लिए आते होंगे तो आपकी जो माशाल्लाह 11 साल वाली बेटी है और दूसरी बेटी भी जो है वो समझदार है, वो 10 साल की है, वो इतनी आसानी से अपने घर में तो डर सकते हैं ना कि वहाँ पर है तो ज़ाहिर पावर एक्सरसाइज हो सकता है. लेकिन वो आपके घर में है, आपके घर से डर के क्यों है, कैसे उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्योंकि मैं उनको कहती हूँ कि हम नहीं लॉ तोड़ेंगे, हम तो एग्जैक्ट हाई जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है हम उसके मुताबिक जाएंगे. अगर बच्चा जिद जाना नहीं चाहे उस पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? अब उस बच्चे 11 साल का बच्चा अगर नहीं जाना चाह रहा उस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा? बेटियां हैं टिमिड सी होती हैं, वो भी वालिद साहब आते हैं चलो ले जाते हैं, कोई इतनी एग्रेसिव तो नहीं होती हैं ना वो भी 10-11 साल. देखिए अगर आप इनके अल्फाजों पे, मैं ऑब्वियसली ना उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूं ताकि एकदम वन साइडेड ना हो जाए ना, क्योंकि वो नहीं है इसलिए मैं जो है मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इन लोगों को ठीक ठाक तरीके से फिक्स करना चाहिए. अकलियतों को अपने हकूक के लिए आगाज़ दुनिया से ही जद्दोजहद करनी पड़ी और जिसमें औरत शामिल है. एक इनकलाब अजीम आया था जिसको इस्लाम कहते हैं, उसने बहुत सारे हकूक दिए लेकिन इस्लाम के मानने वालों ने वो सारे हकूक वापस ले लिए. इस्लाम ने तो दिए लेकिन इस्लाम के मानने वालों ने वो हकूक दिए नहीं, इस्लाम ने दिए मुसलमानों ने नहीं दिए. तो मैं ये सारी बातें के बावजूद भी इसलिए एक दूसरा पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ ताकि ये बैलेंस कैसे होगा कि अगर एक 13 साल की ज़िंदगी है उसमें बच्चियाँ हैं उसके अंदर वो यहाँ पे कहा कि उन बच्चियों को कैद कर दिया जाता है और 11-10 साल के बच्चों को पढ़े लिखे बच्चे होंगे डेफिनेटली माँ बाप दोनों पढ़े लिखे हैं, 11 साल और 10 साल के बच्चे रेजिस्ट कर सकते हैं, क्या रेजिस्ट कर सकते हैं ना, एम्पावर किया जा सकता है. ऐसे कुछ तो पहलू हो रहे होंगे कि जिसकी वजह से वो not. कितने आराम से कैद किया जाए. लफ्ज़ सुने ना, कैद किया जाता है वहाँ पे, ये लफ्ज़ बहुत बड़ा है ना. हाँ. ये लफ्ज़ अच्छा, बहुत बड़ा है कि बच्चों को वहाँ कैद किया जाता है. ये भी लिखा कि जब फिर अगर आपको वो बच्चे नहीं देते या वो उनको आउट ऑफ कंट्री लेके चले जाते हैं, क्योंकि जाहिर है वो एक फैमिली ऐसी है कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके एक्स हस्बैंड जो है, If I'm not wrong, तो वो उनको लेके चले जाते हैं. जब उनके पास बच्चे जाते हैं तो कहीं बाहर भी लेके चले जाते हैं, ये हमारी अभी नहीं. एक्चुअली मैंने बच्चों को ECL पे डाला है.
ताकि वो ना ले जाएं, ताकि वो ना ले जाए. लेकिन आप जब थाने जाती हैं, कहीं जाती हैं, तो FIR दर्ज नहीं की जाती आपकी, वो क्यों नहीं की जाती? वो कहा जाता है कि ये फैमिली इशू है, तो आप फैमिली कोर्ट में जाएं, हम आपकी FIR दर्ज नहीं करेंगे. और कोर्ट कहते हैं आप पुलिस के पास जाएं. तो एक्चुअली ये सिस्टम का फॉल्ट है, बहुत बड़ा सिस्टम का फॉल्ट है. ऑन पेपर आपके पास सारे कानून मौजूद हैं, आपको हर तरह की एड मिली हुई है, आपके पास विमेन प्रोटेक्शन लॉज भी मौजूद हैं, आपके डिवोर्स लॉज भी बड़े सेट हैं, आपके कस्टडी लॉज भी बड़े सेट हैं. मगर जब ये करने की बात आती है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक औरत मार खाते हुए सामने खड़े हुए पुलिस वाले के पास जाए या 15 को कॉल करके पुलिस को बुलाए, तो पुलिस आके बोलेगी ये आपके घर का मैटर है, हमें मत इन्वॉल्व करें इसमें. तो फिर कौन इन्वॉल्व होगा? कोई नहीं इन्वॉल्व होता है. तो कौन इन्वॉल्व होगा, किसके पास जाएं? एक लॉयर की रोज की हम वो बातें सुनते हैं, लोग आते हैं, मशवरे भी हम देते हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मदर, अगर मैं आपको भी और बहुत से लोगों को ये कहना चाहूँगी कि हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक ठीक है, दो पेपर्स पे साइन करने से वो ताल्लुक बन जाता है, दो पेपर्स पे साइन करने से वो टूट जाता है, लेकिन माँ बाप जब आप एक दफ़ा बन जाते हैं वालदैन, तो वो किसी पेपर पे साइन करने की वजह से नहीं है, वो थ्रू आउट आप उन बच्चों की माँ रहेंगी. और आपने चाहे शुरू के 4 सालों में जो बॉन्ड अपने बच्चे के साथ बनाया, 10 साल में बनाया, वो बॉन्ड थ्रू आउट रहेगा. एंड द मोमेंट वो बच्चे एडल्ट होने के काबिल होंगे, उनको फिर कोई नहीं रोक सकता आपसे मिलने से, या जिसके पास भी फुल कस्टडी है बच्चे की. हम जो ये इंटरिम पीरियड होते हैं कि जी 7 साल माँ के पास रहेगा, उसके बाद बाप ने अगर दूसरी शादी नहीं कर ली या इंटरेस्ट चेंज नहीं हो गया तो वो छीन के ले जाएगा, हम इस खौफ इनसिक्योरिटी के पीरियड में ये जो एक केओस फैला देते हैं ना, कि हमने वकील भी कर लेना है, हमने थानों में भी चले जाना है, हमने कोर्ट में भी चले जाना है, जबकि उस अरसे में सारा फोकस बच्चे के साथ बॉन्डिंग में होना चाहिए. आपके पास फुल कस्टडी है, महीने के लिए आपके पास रहती है बच्ची, आपने उसके साथ वो अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग करनी है कि अगर वो बाप ले भी जाता है और 2-3 हफ्ते उधर रहती है, वो जो भी ब्रेन वॉशिंग करे, लेकिन आपकी अपनी अटैचमेंट उस बच्चे के साथ इतनी बिल्ड होनी चाहिए, फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए, नेगेटिविटी पे नहीं होना चाहिए और इनसिक्योरिटी भी कि वो मुझसे छीन के ले जाएगा. आपकी औलाद हमेशा वापस आएगी आपके पास. माँ का प्यार, मेरी अपनी मदर के साथ सिर्फ 9 ईयर्स की मेमोरीज हैं. मैं 9 साल की थी जब मेरी वालिदा फौत हो गई, और अभी भी एक कभी ऐसा टाइम आता है कि कोई मशवरा चाहिए हो कुछ, तो मैं आई गो टू माई मदर्स ग्रेव, कि अभी भी मुझे लगता है कि एक जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और वहाँ कब्र पे बैठ के जो मुझे वहाँ से मिलेगा वो किसी और से मशवरे से शायद नहीं मिले. तो ये हम इतने इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं इस माशरे में कि पता नहीं कोई बच्चे छीन के ले जाएगा? कभी भी जो आपसे प्यार करते हैं वो लोग हमेशा आपके करीब रहते हैं. लेकिन आफ्ता जी, एक बात यहाँ पे कहूँगी कि इंतज़ार करना बहुत मुश्किल है कि एक वक्त आएगा कि बच्चे आ जाएंगे, लेकिन वो माँ जो रोज तड़पती होगी जब वो सुबह उठती होगी, उसके बच्चे की कर रही है ना, बच्चे जिस वक्त आपके पास होते हैं उस वक्त आप एक पढ़ी लिखी माँ, एक पढ़ी लिखी माँ. मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं पढ़ा लिखा बाप जाहिल साबित हो रहा है, मैं यहाँ साबित कराना चाह रहा हूँ, अगर वो पढ़ा लिखा बाप बात करना चाहता है तो वो हमसे बात कर सकता है. अगर वो कल को ये ना कहें कि ये वन साइडेड स्टोरी इन्होंने सुनी है, हम आपसे कांटेक्ट करने के लिए तैयार हैं, आपने कहा था कि आपको कांटेक्ट करना हो, वो कॉल पे बात करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो इन्होंने खुद इजाज़त दी है. तो अगर आप हमारा शो देख रहे हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं. कल को ये ना कहिएगा जी हमसे तो किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया और ये वन साइडेड स्टोरी सुनाई जा रही है. देखिए बहुत आसान है, मैं यहाँ पर बैठ के तनकीद करता रहूँ, भाई माशरे पे तनकीद करूँ, वैल्यूज़ पे तनकीद करूँ, पुलिस पे तनकीद करूँ, निज़ाम पे तनकीद करूँ, जुडिशरी पे तनकीद करूँ, मोहल्ले वालों पे तनकीद करूँ, सगे वालों के ऊपर तनकीद करूँ, ये तो है, लेकिन इससे क्या उस तनकीद से मेरे घर मेरी जो कैफियत है वो तब्दील हो रही है, मेरी हालत तब्दील हो रही है? ख़ासतौर से जिस तरह आप बच्चों की तरफ इशारा कर रही हैं ना, देखें हमने बहुत अच्छा हो गया, शुक्र खुदा का कि वो मनहूस जो है वो फांसी पे लटक गया, जो ज़ैनब का जगह दिल है. मीडिया के किरदार को आप कितना ही नेगेटिव कह दें कि मीडिया ये करता है, मीडिया ये करता है, मीडिया ये करता है, लेकिन थैंक्स टू मीडिया वो मलाउन जो है वो लटक भी गया उसके ऊपर. तो बात सारी ये है कि मैं, लेकिन बच्चों को हम जब भी बात कहते हैं ना अब्यूज़, तो हम फौरन समझते हैं कि शायद ये जिंसी इस्तेहसाल की बात हो रही है. बच्चों का जो जिंसी इस्तेहसाल है वो बहुत छोटा सा है, आप यकीन माने, उसका जो जिस्मानी इस्तेहसाल, जिस्मानी तशद्दुद,
اس کا ذہنی تشدد، اس کا جو وقت کا تشدد، اس کے جو پیار کا تشدد، جو اس کو دبانے کا تشدد، جو اس کو دور کرنے کا تشدد، یا آپس کے کانفلکٹ کے اندر بچے کے ختم ہو جائے گا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان سارے حالات میں جو کہ حقیقت ہے، اگر آج میں یہ صبح اٹھوں گا پولیس صحیح ہو جائے گی، میں احمقوں کی جنت میں رہتا ہوں، میں کیوں نہیں حقیقت کے اندر رہتا، میں بھی تو وہاں 6000 پیشنٹ سال کے دیکھ رہا ہوں نا بیٹھا ہوا، میں بھی تو جنا ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا اسی طرح کے پیشنٹس کو دیکھ رہا ہوں نا، تو میں یہ جا کے کہنا شروع کر دوں کہ یار پولیس خراب ہے اس لیے تمہارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، اچھا جی بہت اچھی بات ہے، مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. میں یہاں امپاور کرنے کی بار بار کوشش یہ کر رہا ہوں، ایک پڑھی لکھی ماں اس وقت کیا کر سکتی ہے تاکہ وہ تین بچیاں جو ہیں وہ جو مستقبل کی مائیں ہیں ان کی فاؤنڈیشن کے اندر جو آپ کا رول ہے وہ میں کیسے، اتنا استحصال تو برداشت کر ہی رہی ہوں نا، اتنی پریشانیاں برداشت کر رہی ہوں، اپنے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھا رہی ہوں، پھر تھانے جانا آسان نہیں، اللہ کسی کی بیٹی کو پاکستان کے تھانے میں نہ لے کے جائے، میں بیٹی کا باپ ہوں، اللہ کسی کی بیٹی کو پاکستان کے پولیس تھانے کے اندر لے کے نہ جائے، وہ حقیقت ایسی ہے کہ جو بہت ہولناک ہے، بہت ہوش ربا ہے، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا، مطلب وہ باپ کیوں سر جھکا لیتا ہے، وہ بھائی کیوں سر جھکا لیتا ہے کہ بیٹا گھر میں رہ لو، یہ پولیس جانے والی نہیں ہے، یہ تھانے میری بیٹیوں کی جانے والے نہیں ہیں، یہاں عزتوں کے تماشے اچھلتے ہیں، یا ایک بچی کے ساتھ زیادتی ایک بار ہوتی ہے، یہاں اس سے زیادہ وہاں پہ زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کورٹوں میں جس طرح کے سوالات ہوتے ہیں ہم وہاں بیٹھے ہوتے رہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب اتنا، آج کا میسج یہ ہے کہ آپ کی بات کو میں وہیں سے دوبارہ ایکو کروں گا کہ اہم کیا چیز ہے کہ وہ بچے جو آپ کے پاس ہیں وہ ماں کی شیرنی سے اتنے شہد کیسے نہیں بن رہے کہ وہ لپک کے یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں بن رہے کیونکہ وہ ایک، آپ کی بات کاٹوں، I'm so sorry, کافی دیر سے کال ہے، میں اس کے بعد آپ ہی سے بات کر رہی ہوں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں ریما بات کر رہی ہوں. جی آپ کے پروگرام میں میری کال لگی ہے، آج آپ ان کی اسٹوری سنیے، میری بات سنیں. میرے بھی تین بچے، میرے سسرال والوں نے مجھے بھی گھر سے باہر نکال دیے، تین دن بچے میں سر آفس سے لے کر گئی درخواست لے کے، وہاں سے انہوں نے مجھے کوئی جواب بھی نہیں دیا. باقی جب عورت گھر سے اپنے سسرال سے نکال دیتے اس کا کوئی بھی سہارا نہیں ہوتا ہے، نہ ماں باپ کا گھر اس کا ہوتا ہے، نہ سسرال اس کا ہوتا ہے. آپ لوگ پلیز میری مدد کریں، میں بہت مشکل سے آپ کے پاس میرے کال لے کے. آپ کے بچے کہاں ہیں اس وقت؟ آپ کے بچے کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس ہیں. میرا چھوٹا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کو اتنا تیز بخار ہوا ہے. ٹھیک ہے، میرا بیٹا 3 سال کا ہے. آپ کی علیحدگی ہو گئی آپ کے شوہر سے؟ نہیں نہیں، علیحدگی نہیں ہوئی. تو آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ بچے بھی آپ کے پاس ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ میرے پاس بچوں کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، میرا ماں باپ کا گھر ہے وہ چھوٹا ہے، بھائیوں کی شادی ہو گئی ہے. کیا آپ کے شوہر کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ ہے کہ مطلب وہ بچے کو منتھلی ان کے مطلب ہر ماہانہ ان کے جو اخراجات اٹھا سکیں؟ جی گورنمنٹ جاب کرتے ہیں وہ، ان کے پاس ہے لیکن وہ دیتے نہیں ہیں بچوں کو، دودھ کے پیسے دیتے ہیں، نہ بچوں کا خرچہ، بیمار ہوتے ہیں بچوں کو بالکل بھی نہیں پوچھتے وہ. میں سارے بننے کے آفس میں گئی اپنی کمپلین لے کے، ان کے گھر سے کمپلین لے کر بھی بھجوایا ہے لیکن انہوں نے آپ اپنا نمبر لکھوا دیں، میری ٹیم ابھی آپ سے بات کر کے اور آپ کا نمبر لے لے گی تو ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ماہانہ اخراجات وہ جو، جی آپ کو بات. جی بچوں کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ان کے اندر محبت کی شیرنی یا ان کے اندر اتنا وہ کیوں نہیں آیا جو ماں کے ساتھ وہ وقت گزار رہے ہیں، جو کہ وہ اپنے آپ کو مطلب اس چیز سے ڈرے نہیں یا مضبوط ہو جائیں. آئی ڈنٹ ایکچولی گیٹ اٹ. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے بتایا کہ جو مسئلہ 11 سال کی بچی اور 10 سال کی بچی ہے وہ وہاں پہ جاتی ہے رے، وہ بائی پریشر جاتی ہے، وہ ڈر کے جاتی ہے، جس طرح بھی جو ہے وہ جاتی ہے ان، لیکن آپ کے ساتھ بھی تو وقت گزارتے ہیں نا، جو آپ بات کر رہی تھی کہ جو آپ کے ساتھ جو وقت گزارتی ہیں اس کی بانڈنگ اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ سوال ان سے ہے بیسیکلی ایز اے ماں، اس وقت آپ کیا کرتی ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے میں ہوتا بچے کے ساتھ کیا ہے، ایک تو یہ کہ آپ دونوں سے پیار کرتے ہیں، آپ بچہ آلریڈی بٹا ہوا ہے، ادھر باپ ہے ادھر ماں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے جا رہا ہے انپریڈکٹیبل سچویشن ہے، میں کیا کروں، 2 دن کے لیے جا رہا ہوں تو 15 دن لگ رہے ہیں، مہینہ لگ رہا ہے، تو اس میں ایک تو سیپریشن انگزائٹی بھی ہو جاتی ہے، پھر ایک چیز کہلاتی ہے پیرنٹل ایلینیشن سنڈروم،
जो वो भी हो जाता है बच्चों में, क्योंकि इस तरह के जो बच्चे इधर से उधर आ रहे होते हैं, बच्चों को चाहिए होती है प्यार, बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे की ज़िंदगी में ज़रूरी है स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी, कि उनको पता हो कि ये चीज़ का एक्शन का ये मेरे मुझे रिएक्शन मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी से ज़्यादा मुझे ये है कि हम जो गलती करते हैं ना, जब हमारे आपस के हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात ख़राब होते हैं और इस नहज तक पहुँच जाएँ कि अलहदगी का फैसला हो जाए, जो टाइम हमें बच्चों के साथ मिलता है, बजाय हम बच्चों के साथ उनकी लाइफ शेयर करें, हम अपने पर्सनल मामलात उनसे शेयर करना शुरू करते हैं। तुम्हारे बाप ने ये किया, तुम्हारी माँ की ज़बान बहुत वो है, वो अगर वो ज़बान पे कंट्रोल करती तो नहीं है, वो बच्चों को दे दी जाती है। जो मैं अभी फील कर रही हूँ, आप लोग ऑब्वियसली ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग ज़्यादा, हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं, हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं। अभी तो मसला यही है कि बच्चे वो लेके जाते हैं, महीना महीना लेके जाते हैं, 15-15 दिन लेके जाते हैं, उसके बाद बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये एक बहुत बड़ा इशू है बच्चों के लिए भी। वो क्या चाहती हैं, उनका मसला क्या है, वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, वो लॉ को अगर तोड़ा है उसकी सजा क्या है, क्या होना चाहिए, वो बार बार वो बच्चे कैसे साथ टाइम स्पेंड करती है, तो किस तरह करती है। सबसे हर बच्चा सेम नहीं होता, 11 साल की एक बच्ची है तो हो सकता है वो बहुत सहमी हुई हो, लेकिन 10 साल की बच्ची बोलती हो मैंने नहीं जाना आपके साथ, ठीक है। बाप के पास जाती है, वापस आती है तो बाप की बातें आपको क्या बताती हैं, और हमने तो पूछा ही नहीं इनसे कि ये उनसे बातें क्या करती हैं, ये तो हम अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं कि ये बातें करती होंगी, इसीलिए सवाल इन्हीं से था। इसीलिए जो सवाल मेरा तो मुझे लगता है ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि ये बच्चों को किस तरह ट्रीट करती हैं, किस तरह बात करती हैं, आप अब चाहती क्या हैं, ठीक है। ये मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछती हूँ, तो हम बच्चों को तो पहले मसला हल हो जाए कि बच्चे होंगे कहाँ, बच्चे होने कहाँ चाहिए, और अगर कोई बंदा लॉ तोड़ रहा है तो उसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तरबियत तो भी फिर बाकी थोड़ी सी आगे की बात है कि एक जगह बच्चे संभल तो जाए, तो संभलेंगे कैसे, तो हम वो बात करते, तो हमने अज्यूम ये किया है कि जी ये क्या तरबियत करती होंगी, इनसे पूछते हैं कि ये उनसे क्या बात करती है, ठीक है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, एंड आप क्या चाहती हैं, और वो अगर लॉ तोड़ है तो उस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा, ये आपने मुझे बताना है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। मेरी दर के मरासिम का दुख नहीं, पर दिल ये चाहता है कि आगाज तू करे, मुस्कुराहट उनकी देखकर हम होश गवा बैठे, मुस्कुराहट उनकी देखकर हम होश गवा बैठे, हम होश में आने को थे कि वो फिर से मुस्कुरा उठे। ओके जी, वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं, और लईन हमारे साथ यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, और तीन बच्चों की वालिदा, बहुत पढ़ी लिखी खातून, 13 साल पहले उनकी शादी हुई, और 2 साल तकरीबन अलहदगी को हुए हैं, अपने शौहर से अलहदा हैं। शौहर जो है वो बच्चे जो हैं वो लेकर जाते हैं, जितना उनको टाइम दिया जाता है वो उससे ज़्यादा उनको बच्चों को अपने पास रखते हैं। जितना भी कोर्ट ने उनको एक टाइम दिया कि हफ्ते में 1-2 हफ्ते उन्होंने वहाँ पे रहना है, 2 हफ्ते माँ के पास रहना है, 2 वीकेंड्स, ठीक है, 1 महीने में 2 वो, और लेकिन वो लॉ को भी तोड़ें, ठीक है, और बच्चों को भी टॉर्चर कर रहे हैं, बच्चों को भी कैद कर देते हैं, जो इन्होंने हमें बताया, जो इनके अकाउंट्स में भी आप जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। हमने ये बात की थी थोड़ी देर पहले डॉक्टर इमरान ने और हमने, कि ये वन साइडेड स्टोरी हम सुन रहे हैं, एक तरफा स्टोरी हम सुन रहे हैं, हमें नहीं पता कि दूसरी तरफ की स्टोरी क्या है। हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम वहाँ पे बात करें, हम कांटेक्ट करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गन पॉइंट पे तो हमने इनको भी नहीं बिठाया, गन पॉइंट पे हम किसी को नहीं बिठाते, हर कोई अपनी मर्ज़ी से आके बात करना चाहता है और करता है। ये हमारी कर्टसी है और हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है और हमारा ये हक भी नहीं है कि हम दूसरी तरफ का नाम बताएं या बताएं कि जी वो कितनी बड़ी शख्सियत हैं, उनका नाम क्या है, वो कहाँ काम करते हैं। हमने ना किसी का नाम लिया है, ना हमने किसी की बात की है, ना हमने किसी के बारे में कुछ बताया है, ना ही हमने आपसे पूछा कि चले उनका नाम तो बताएं वो करते क्या हैं, ठीक है। हम सिर्फ इनकी स्टोरी सुन रहे हैं और अवेयरनेस के लिए सुन रहे हैं।
और मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, ये पूरे जो जो लोग हमारा शो देख रहे हैं कि हमारी अब जो है उनसे बात हुई है, हमने कॉन्टैक्ट किया है, अब वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे या बात नहीं कर रहे, तो अब ये उनकी मर्जी है। टोन क्या है वो बताना शायद लाजमी नहीं है, बट टोन जो है वो बेहतर नहीं है। बात करने का जो तरीका है वो धमकी आमेज बोलें तो वो भी गलत नहीं होगा। तो बस ये बोलना चाहूँगी, तो क्या किसी का राइट बनता है कि किसी को आप इस तरह कुछ धमकी भी दे दें कि देखेंगे हम आपके साथ अब क्या करते हैं? राइट बने या ना बने, या सबसे अच्छा मशगला लोगों का धमकियां देना है। हाँ, तो प्लीज इस बात से जो है वो गुरेज करें। और यहाँ पर आपसे भी कांटेक्ट किया गया, लेकिन ये आपको शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि हम किसी का नाम नहीं आपके ले रहे। किसी की तस्दीक करना, किसी को डिफेम करना, ये मकसद तो था ही नहीं इस शो का और ना है। हम सब यहाँ मिलकर बैठे हैं तो हम एक फैमिली के वेलफेयर के हवाले से डिस्कस करें, क्योंकि हम मेजॉरिटी खवातीन, जिनमें मैं खुद शामिल हूँ, कि हम गुजरे हैं बहुत सी टफ हकायक से, खुद ज़िंदगी जी है, बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी के डिप्रेशंस में इतने ज़्यादा बह जाते हैं कि बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं, कभी बच्चों के लिए इतना डेडिकेट हो जाते हैं कि अपने बारे में भूल जाते हैं। अच्छा, कि लाइफ में बैलेंस कैसे रखें। अभी तक ना मैं आपदा जी, अभी तक मैं जो बात कर रही थी और मैं आपको भी, मैंने कहा कि मैं बड़ा न्यूट्रल और वो कि यार नहीं, बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है, मुझे नहीं पता कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, कितना झूठ है। अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूँ, मैं यहाँ पर होस्ट हूँ, मुझे एक वो बात करनी है जो न्यूट्रल होनी चाहिए, बट इस बंदी की ये सच्चाई ज़रूर है कि इस बंदी का ये है नंबर, बात करें। अगर वो सच्चा बंदा है तो ऑन एयर रखे बात करें। कोई शायद मीडिया पे आकर घर की बात शायद ना करना चाहे, उनको ये बेनिफिट। हाँ, मतलब वही मैं कह रही हूँ कि मतलब आप अच्छा एक चीज़ ना, फैमिली डिस्प्यूट्स में मैंने हमेशा ये देखा है कि यहाँ कोई सच या झूठ नहीं होता है। उनका लॉयर अब हमसे बात करेगा। ओके, हर एक की अपनी अपनी रियलिटी होती है जिससे वो अपनी कहानी बताता है। हर कोई अपनी कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर होता है और उसके पर्सपेक्टिव से कहानी आगे बढ़ती है। वो अपने, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं आपकी कहानी सुन रही हूँ तो उसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत है, उसे ये कि मेरा सच डिफरेंट है और मेरा सच डिफरेंट है। तसल वहाँ शुरू होती है कि दोनों के सच आपस में मैच नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, उसके बाद मैं ऑडियंस की तरफ आऊँगी और मैं ऑडियंस से सवाल करूँगी, अगर ऑडियंस सवाल करना चाहती है, क्योंकि बहुत यंग बच्चियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो मैं आपसे अच्छा पूछना चाह रही सवाल, चार सवाल हम बता देते ताकि जवाब सोच लें, या मैं उसी वक्त पूछ लूं। नहीं, आप जी बता दें ताकि जवाब सोच लें। जवाब ताकि आप सोच लें। सबसे पहले वही बताएं, देखिए मेरी बेटियां मुस्तकबिल की माएँ हैं, अच्छी बीवी की खसूसियात क्या होती हैं, अच्छे शौहर की खसूसियात क्या होती हैं, और यही मियाँ बीवी ज़ाहिर माँ बाप बनते हैं, तो फिर अच्छी माँ की खसूसियात क्या होती हैं और अच्छे बाप की खसूसियात क्या होती है, ये चार सवाल आपके जहन में आपके हैं, और जब वापस आएंगे तो सनम फिर आपसे जवाब। ये चार सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, इसका जवाब आप सोच लें जो आपको लगता है कि होना चाहिए, हम थोड़ी देर में आपसे वो सवाल करेंगे। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल किया था कि जब बच्चे आपके पास आते हैं तो आपसे क्या बात करते हैं और आप उनसे क्या बात करती हैं, और बच्चों का जब स्कूल मिस होता है तो ज़ाहिर वहाँ से स्कूल से भी तो शिकायत आती होगी ना कि आपके बच्चों का स्कूल मिस हो रहा है। हमारा बच्चा एक दिन नहीं जाता तो अगले दिन खत आ जाता है इतना बड़ा कि भाई क्यों नहीं आया बच्चा, तो आप जी उसको कैसे एज अ मदर मैं उनको कहती हूँ कि यो बाबा लव्स यू, ये मैं कभी नहीं कहती हूँ कि बाबा गुस्से वाले हैं, बाबा नफरत करते हैं, बाबा टॉर्चर करते हैं। मैं कहती हूँ बाबा लव्स यू सो मच, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू कीप यू। ठीक है, आई से के बट बाबा इज़ नॉट वेरी गुड एट ब्रेक एट कीपिंग द रूल्स, ही ब्रेक्स द रूल्स, और उनको पता है यू नो स्कूल में भी रूल्स होते हैं। अब उनको पता है इन्होंने बेचारों ने इतना कोर्ट रूम्स, इतने कोर्ट रूम्स देखे हैं, इतनी दफ़ा वो कहते हैं बिल्कुल मुझे कोर्ट में मिलते हैं बच्चे, और इन पे इतना गुजरा है, और फिर उन्होंने फोर्स करके उनको लिखवाया कि मैं हम इधर रहना चाहते हैं, हम उधर रहना चाहते हैं। वो क्या लिखवाया, बाबा के पास रहना चाहते हैं? वेल एक ने लिखा कि दोनों के पास, और एक ने लिखा कि सिर्फ माँ के पास। किसने लिखा दोनों के पास? बीच वाली 10 साल की, क्योंकि वो थोड़ा सा तगड़ी है, और वो उसने कहा कि लड़ाई फिर खत्म हो जाएगी, मैं ये लिख लूंगी। और लेकिन मैंने कहा, बड़ी ने क्या लिखा, मिशा ने? सिर्फ माँ के पास।
चार साल की तो बहुत छोटी है वो अमर. भी जी वो कहती है मामा, मुझे देखती है मामा, फिर बाप को देखती है बाबा. बट ऑब्वियसली माँ तो माँ होती है. बट आई एम नॉट लाइक दैट. उनको भी लेके जाते हैं. जी बिल्कुल. अमल को भी लेके जाते हैं. वो तो चार साल की है जी और ये दो साल से हो रहा है. तो आप सोचें कि एज अ मदर मेरे आई हैव नो रिवेंज इन माई हार्ट. आई जस्ट वॉन्ट कि हम सिविलाइज तरीके से बच्चों की परवरिश करें. दैट्स ऑल आई वॉन्ट. आई वॉन्ट नो रिवेंज. I don't hate him. I do not hate him. Mere hamare teen bacche hain. And yes, he has moved on. He has gotten married. I'm very happy for him. But my children have no business living with another woman. They are my children. I have custody. It's not right. Aur bachchon ki jo aapne kaha tha routine, bachchon ke liye routine bahut bahut zaruri hai. Thodi si थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है और बड़ा मुश्किल होता है. मैं तो फिर यू नो उनकी काउंसलिंग भी होती है, स्कूल में भी होती है, बाहर भी होती है. एंड मैं भी करती हूँ, मेरी सिस्टर भी करती है, मेरे फ्रेंड सब, हम सब करते हैं बच्चों का. लाइक वी आर ऑलवेज सो केयरफुल कि बच्चे खुश रहें, इनसिक्योर ना फील करें. सहम जाते हैं जब वापस आते, सहमे हुए होते हैं. जी बिल्कुल. कन्फ्यूज होते हैं काफ़ी. एंड यू नो दुख होता है ऐसे देख के कि अपने बच्चों पे ये क्यों हो रहा है और क्या मैंने क्या गलती की है कि ये क्यों हो रहा है. लेकिन आई रियली हैव नो चॉइस. मुझे जस्टिस तो मिली है लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है लॉस का. आप कह रही हैं उन्होंने शादी बहुत शादी कर ली है उन्होंने और आप कह रही हैं वो दूसरी खातून के साथ रह रहे हैं. वो शेडी टाइप के लोग हैं तो उन्होंने निकाह करके रजिस्टर नहीं किया लेकिन फिर भी रोज मिलते हैं बच्चों. वो उन बच्चों के पास ही होती है सुबह से लेकर रात तक. तो वो बच्चों के साथ सही है वो खातून. आई डोंट नो अब कैसे खातून है जो प्रेग्नेंट थी और उस वक्त भी थी उधर. तो आई डोंट नो अच्छे झगड़ा क्या उस खातून की वजह से. मैं आई हैव नो issues. वो उनकी लाइफ है. आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन देयर लाइव्स. इट्स नॉट माय बिजनेस. एक बात कहूँ, हम लोग शादी में भी वो एक हम कंट्रोल करने की बात करते हैं. आपने भी ये कहा कि उसको कंट्रोल करने की आदत है लेकिन अभी आपकी बातों में भी वो आंसर झलक रहा है. हम अगर किसी एक से ताल्लुक ख़त्म कर लेते हैं तो फिर उनको उसकी ज़िंदगी जीने का हक दे देना चाहिए. अगर आपने कहा यू आर हैप्पी फॉर हिम, ही हैज़ मूव्ड ऑन, हम पहले से ही बच्चों के दिमाग में ये बात क्यों डाल दें कि स्टेप फादर और स्टेप मदर बुरा होगा. क्योंकि अगर आपने अपने एक्स हस्बैंड के साथ अपने बच्चों का ताल्लुक ख़त्म नहीं करना तो उसका ताल्लुक जिन जिन लोगों से है, बच्चों की इंटरेक्शन उन लोगों से होगी. अगर आपके रवैये, आपके जेस्चर्स, आपकी बातों से बच्चों को ये सिग्नल्स जाएंगे इनडायरेक्टली भी कि वो जो खातून रहती हैं निकाह में हैं वो आपको पसंद नहीं है तो बच्चों का ताल्लुक उस घर में नहीं बिल्ड होगा. ये बहुत लॉन्ग टर्म की बातें हैं. आपने कल को बच्चों की शादियां भी करनी हैं, उनको उनके घर बसाने और हर जगह पे चाहते ना चाहते हुए क्योंकि उन बच्चों के साथ आपके एक्स हस्बैंड का नाम लगता है, उनकी औलाद है, उनकी सेकेंड वाइफ, सारी जिंदगी लगा रहेगा. आपको इन तमाम दूर के रिश्तों को भी साथ लेके चलना है. मैं इस एज में अब मैं आपको सिर्फ ज़िंदगी गुजारने का बहुत सिंपल सी दो चीज़ें हैं जिससे आसानियां पैदा होती हैं अपने लिए भी, आपसे जुड़े लोगों के लिए भी. हर वक्त दिल में बहुत सी मोहब्बत और दरगुजर करने की सलाहियत रखनी चाहिए. कर दिया कोई बात नहीं. मेरे पास दो ऑप्शन है रोज़ाना, या मैं कुड़ती रहूँ, या मैं बदला लेती रहूँ, या मैं माफ़ कर दूँ और कहूँ कि यार उसकी भी ज़िंदगी है, उसको भी जीने का हक है, वो ऐसे खुश है तो ठीक है. बच्चे मेरे पास रहें, उसके पास रहे, अगर उनको सहूलतें वहाँ ज़्यादा हैं तो चलो ठीक है. बच्चे तो मेरे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे कभी जुदा नहीं होंगे. ये जो हम जब कंट्रोल पे आ जाते हैं ना तो हम बिगाड़ पैदा करते हैं. हमारे हाथ में किस चीज़ का कंट्रोल है? अपनी ज़िंदगी का अगले लम्हे का तो है नहीं. हम इतने खुदा बन के और अपनी अना के साथ हम हर जगह बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं. हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं करते. बच्चे तो वो भी बल जाते हैं जिनके माँ बाप मर जाते हैं, बिना माँ बाप के बच्चे भी पल जाते हैं. नॉर्मल आम फैमिलीज़ में भी बच्चे क्रिमिनल्स बन के निकलते हैं और सेपरेटेड डिवोर्स पेरेंट्स के बच्चे काउंसलर्स, थेरेपिस्ट और पता नहीं क्या कुछ बन जाते हैं.
कोई किसी चीज का ना क्रेडिट ले सकता है कि ये मेरी तरबियत है, क्योंकि हर एक की जिंदगी में उसकी किस्मत का भी अंसर है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अपने दिल में हमदर्दी रखें, रंजिशें पैदा ना करें, क्योंकि आप रिश्तों पे से बच्चों का एतबार ख़त्म कर देंगे। कल को वो कैसे कहेंगे कि इनकी शादी नहीं चली तो हमारी चल जाएगी? बच्चियां कल को कैसे एतबार करेंगी किसी शख्स पे? यू नो, वी आर डिस्ट्रॉइंग द फैब्रिक ऑफ रिलेशनशिप्स फॉर एवरीबडी, एंड एज अ वुमन हमारे कंधों पे बहुत बोझ है। अच्छा, मैं आप ही की बात भी एक कॉल ले रही हूँ। इसी तरह की एक कहानी हमारे पास है, एक स्टोरी अटक से मेरे पास कॉल है, मैं उनसे बात करती हूँ और फिर आप कुछ जवाब देना चाह रही थी तो बिल्कुल बात करूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपका शो बहुत ही अच्छा है, और मतलब कि जब से आपका मैंने अभी हाल ही 5 मिनट हुए तो टी वी ऑन किया तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे बात करूँ आपसे, कैसे ना करूँ। मेरी मम्मी अभी की शादी हुई थी और उनकी डिवोर्स हो गई थी, मेरी अभी प्रेगनेंट थी। अच्छा, उनकी डिवोर्स हुई थी, आप जब पैदा हुई थी तो उसके बाद फौरन उनकी डिवोर्स हुई थी? नहीं, मेरी पैदाइश से पहले डिवोर्स हो गई थी। पैदाइश से पहले डिवोर्स हो गई थी? जी ठीक है, तो वो ठीक है, सही है। फिर क्या हुआ? फिर मेरे जो है ना, मैं काफी टाइम के बाद अम्मी के पास थी, फिर अम्मी के पास चली गई थी। लेकिन शादी जब माँ बाप कर लेते हैं तो औलाद रुल जाती है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। खुदाया बच्चों के लिए क्या माँ भी दोनों का होना बहुत जरूरी है। मेरी शादी होगी, मेरी एजुकेशन में कंप्लीट नहीं कर सकी। आपकी अपनी शादी कैसी गुजर रही है? आपने ये सब देखा, आपने सफर किया, आप एक तकलीफ, एक कर्व, एक मुश्किल से गुजरी, लेकिन अब आपकी अपनी शादी कैसी चल रही है? मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जो आपके अंदर कमियां रहती है ना बचपन से, वो हमेशा रहती है। वो जो आप अपनी जो अब हर वक्त डर लेता है कि मैंने अगर अपनी माँ से दूर रही हूँ या अपने बाप के साथ बोली तो मेरे बच्चों में वो फीलिंग ना हो। बेटा, आपकी कमियां आपके साथ सारी जिंदगी जब रहती हैं, जब आप उनको रखना चाहते हैं, और अगर आप अपनी उन कमियों को मजबूती में तब्दील करना चाहते हैं तो ये भी इख्तियार आपके पास है। बिल्कुल। आगे आपकी माशाल्लाह का आपकी शादी कामयाब है, हो सकता है कि उसमें वो पहलू आपकी मजबूती का बाइस बने। बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी में जो है उसके ऊपर अगर आप तवज्जो देंगे तो आपको उस पर भी मकाम शुक्र अदा होगा। ऐसा कौन सा शख्स है इस दुनिया के अंदर जो आजमाइशों से नहीं गुजरा हो? और अल्लाह के करीब जो बंदे होते हैं अल्लाह उनको बहुत आजमाइशों में डालता है। हज़रत इब्राहिम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की सारी ज़िंदगी हमारे सामने है कि वो तो बाय डिफ़ॉल्ट गुनाह नहीं कर सकते, वो बाय डिफ़ॉल्ट गलती नहीं कर सकते, उनके इख्तियार में नहीं है क्योंकि वो नबी हैं, वो सिलेक्टेड हैं, लेकिन अल्लाह उनको आजमाइशों से हमारे लिए गुजारता है और उन आजमाइशों के बाद उनको हक़ पर फाइज करता है, हक रह जाता है। बातिल आपको लंबा ज़रूर नज़र आ रहा होता है, लेकिन बातिल करने वाले लोग ज़िंदगी में सुकून से नहीं होते। अपनी कमियों को आप बड़ा वो अपनी ताकत बनाते हैं, बना ऐसा ही है। Exactly. कमी को अपनी ताकत बनाए। अच्छा, माइक ऑडियंस में किसके पास माइक है? माइक आप नीचे भेजेंगे, नीचे जो बच्ची वाइट शर्ट में है, स्कार्फ पहना हुआ है। आप रो रही थी या आपकी आंखों में पानी क्यों था अभी? मतलब रो रही थी ना, आपकी आंखों में पानी आ गया, क्या सोच रही थी, क्या क्या बुरा लग रहा था, क्या दुख हो रहा था? जैसे उनकी स्टोरी थी कि वो बताई थी कि ये हुआ है, वैसे ही आंखों में आंसू आ गए थे। अगर पहला सवाल आपसे पूछूं, जो आपने कहा था एक अच्छा शौहर, ठीक है, हम सब लड़कियां हैं ना, हम भी अब उस एज में होते हैं, हम अपना आइडियल सोचते हैं वो ऐसा हो वैसा हो, आपने कभी सोचा? हर लड़की सोचती है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अच्छा शौहर क्या होता है? या अगर ना भी सोचा, अपने अम्मी अब्बू को देखा हो, अपने कजिन्स को देखा हो, अपनी किसी कजिन के शौहर को देखा हो, तो आपकी नज़र में अच्छे शौहर की खूबियाँ क्या हैं? अच्छी शौहर की खूबियाँ वो होती हैं जो हर छोटी बात का ख्याल रखे, जैसे कि
ये बताएं कि एजुकेशन शोर जैसे होता है वो ये काम कर सकते, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि जैसे मेरे बाबा हैं कि वो पढ़े हुए नहीं है इतना, मैट्रिक तक ही किया हुआ, जैसे हमारी जैसे इन्होंने तरबियत की है, मैं उस वजह से तो बहुत एग्री हूँ कि मेरी तरबियत बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह। तो मैं ये कहती हूँ कि उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि ऐसा ना हो उनकी बेटियाँ, क्योंकि उनकी तरबियत के लिए माँ बाप दोनों का आसरा होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जिन्होंने आश्रय किया वो मेरे माँ बाप दोनों ने आश्रय किया, उनकी तरबियत में मैं आज यहाँ इतनी अच्छी पोस्ट पे हूँ कि मैं उनको दुआएं देती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी पोस्ट पे मुझे पुश किया कि मैं आगे पढ़ूँ और उनके लिए मैं उनका नाम रोशन कर सकूँ। बेटा अपने जीवन साथी के लिए मुस्तकबिल के क्या खूबी तलाश करोगी? जी अपने अपने होने वाले जीवन साथी के मुस्तकबिल में क्या खूबी तलाश करोगी, क्या खूबी होनी चाहिए? कि मेरे ख्याल में ये खूबियां होनी चाहिए कि वो हर छोटी बात का ख्याल रखे। छोटी बात भी तो बताओ ना, छोटी हाँ, बात है क्या ये छोटी बात? केयरिंग हो, ख्याल रखे। अगेन केयरिंग कैसे ख्याल करे? जोड़ा दिलवाए, खाना पकाए, बाहर ले जाए, गाड़ी में घुमाए, क्या करे? कुछ तो बताए ना, मरी ले जाए, कहाँ ले जाए, क्या करे? लोगों के सामने इंसल्ट ना करे। छोटी बात क्या वो जो आप कह रहे हैं, छोटी बात केयरिंग? क्योंकि होता ये कंफ्यूजन ये होता है ना, आपकी केयरिंग हो सकता है कुछ और। अंडरस्टैंड करें, सॉरी, इज्जत का ख्याल रखें, अंडरस्टैंड करें हर चीज़ को। कैसे अंडरस्टैंड करें, यही तो पूछना चाह रहा हूं। माशाल्लाह इतनी समझदार हो। होता ये कि हमारी जो जनरल बातें हैं ना वो मेरा ख्याल रखे। अच्छा वो ये समझ रहे हैं मैं आपसे ज्यादा ख्याल रख रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मेरा ख्याल ही नहीं रख रहा? नहीं, ये वो वाली बात है जो अब मॉर्निंग शो पे फैशन बन गया है कि मॉर्निंग शो पे क्रिटिसाइज करना, मुझे लगता है कि एक फैशन बन गया है। बिल्कुल, क्या कर रहे हैं मॉर्निंग शोज ऐसे होते हैं? अच्छा भाई आप बताएं कैसे होते हैं, आप बताएं, ऐसे नहीं होते मॉर्निंग, ये क्या कर रहे हो भाई, फिर टॉपिक भी बताओ हर रोज का हमें, ये नहीं बताते, ये नहीं पता होता। लेकिन आप आर्टिकल्स छपेंगे तो सिर्फ उनके खिलाफ होगा कि मॉर्निंग शोज में ये दिखा दे, वो देखना क्या चाहते हैं, कम से कम वो भी बता देना। किसी को टोकना आसान है, एडवाइस करना। किसी ने बड़ी सिंपल सी बात उस दिन मुझसे कही, कोई किसी का कहीं पर रिश्ता किसी की बेटी का तय हो रहा था, तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगर मर्द को चेक करना है कि वो कितना अच्छा जीवन साथी होगा, अच्छा हम उसकी उसी खूबी को क्रिटिसाइज करके बयान करते हैं, लेकिन असल में वो उसको परखने का मयार है कि अगर वो अपने रिश्तों का ख्याल करते हैं, अपनी माँ, बहनों, अपने फैमिली के बुजुर्गों को टाइम देता है, उनका ख्याल करता है, तो फिर वो अपनी लाइफ में नए आने वाले रिश्ते को भी उतना ही संभाल कर चलेगा। हम लोग क्या खूबसूरत बात कही है, और हमने इसी क्वालिटी के ऊपर रिश्ते मुस्तरद करते हैं कि ये तो माँ के कहने में रहेगा, ये तो बाप के कहने में रहेगा, ये उन्हीं के रहेगा, लेकिन ये रूल है, ये हकीकती रूल ये है। जो अपने माँ बाप से अच्छा है वेटर के साथ कैसे बात करें, वो भी बहुत अच्छी बात, ये भी पैमाना है कि अपने से नीचे, अपने से नीचे वालों से किस तरह वो जो है वो रवैया और ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ आपसे एक बात करना चाहूंगी कि आपने कहा अब क्या कि जब मैं मतलब जब अमल जो थी वो आप प्रेग्नेंट थी उसी दौरान जी वो औरत उनकी लाइफ में थी, तो मैं उस औरत पे क्या कहूँ, थोड़ा सा आपने इस टोन में मतलब कि मैं क्या बोलूँगी जब उसको पता भी था कि आई एम प्रेग्नेंट और वो उसकी लाइफ में थी, क्या सिर्फ वही औरत थी कि जिसकी वजह से डिवोर्स हुई कि मेरा मियाँ कहीं और, अदरवाइज 11-13 साल आप उनके साथ रहीं, ठीक है ठीक है, लेकिन जब आपको ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट, उस पर थोड़ा सा मैंने आपको हार्श थोड़ा सा देखा कि आपको वो बात बड़ी बुरी लगी है, ठीक है, तो क्या सिर्फ ये रीज़न था, वरना अदरवाइज आप अभी भी वो फाइनेंशियली या इमोशनली या फिजिकली अब्यूज़ करते थे तो आप अभी भी बर्दाश्त करती अगर उनकी लाइफ में कोई और औरत ना आती, जो कि मुझे अभी आपकी बात से फील हुआ, ठीक है, तो इसका मुझे जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं फिर वापस। एक तेरी बराबरी के लिए खुद को कितना गिरा चुका हूँ, आए तो यूं जैसे कि हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं कि गोया कभी आशना न थे, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।
ओके जी, वेलकम बैक. हम लोग वापस आ चुके हैं और यहाँ पे लालीन जो है वो हमारे साथ हैं और वो अपनी कहानी अपनी ज़बानी हमें खुद बता रही हैं यहाँ पर, हम सुन रहे हैं. शायद जो आपने बताया ना कि एक रेशो आपने बताया कि 40,000 तलाकें जो हैं वो पाकिस्तान में हर साल हो रही हैं और सेपरेशन अलग है, वो एक अलग वो है. आज के शो से अगर कोई एक घर बच जाता है या आज के शो से अगर कोई एक शख्स कि दिल में ये बात लगती है कि यार मैं किसी माँ को इतना ना तड़पाऊँ, या अगर कोई माँ भी ज्याती कर रही हो, जरूरी नहीं होता कि हम हमेशा मर्द को गलत बोलें, तो वो अगर वो भी बेहतर हो, अगर कुछ बच्चों की जिंदगियाँ हमारे इस शो की वजह से बेहतर बन सकती हैं, तो आई थिंक आज हमारी कामयाबी का दिन होगा. तो लालीन आपसे मैं बात कर रही थी, जो मेरा जो मैंने जो अभी फील किया पूरे शो में, आपने मुझे कहा कि जब सबसे छोटी बेटी जो आपकी जो है वो क्या नाम है अमल, आपने वो आप प्रेग्नेंट थी और उसी दौरान जी वो एक औरत उनकी लाइफ में आई एंड उस औरत को सोचना चाहिए था. तो पहली बात तो उस औरत को नहीं सोचना चाहिए था, ठीक है, वो भी गन पॉइंट पे नहीं आई होगी कि नहीं मुझे आना है, ठीक है, वो उस औरत का कसूर नहीं है. आपको जवाब फिर आपके शौहर को देना है, ठीक है, उसने जवाब नहीं देना. हो सकता है उसको आपके शौहर से प्यार हो गया हो सकता है उसको वो पसंद आ गया हो, और फिर हमारे पास मर्दों का दीन यहीं पे इस्लाम शुरू भी होता है और ख़त्म भी होता है कि मुझे 4 शादियों की इजाज़त है. बट मुझे लग रहा है कि आपको जो हर्ट किया, अदरवाइज वरना आज भी आप ये कदम ना उठाती, अगर उन्होंने शादी ना की होती या उनकी लाइफ में कोई और औरत ना आती, तो आज भी आप ये कदम ना उठाती, आज भी आप आवाज़ ना उठाती. तो इशू मुझे लग रहा है कि अब वो औरत मुझे इशू ज़्यादा लग रही है. मुझे इमोशनली अब्यूज़ किया उन्होंने, फाइनेंशियली अब्यूज़ किया, फिज़िकली अब्यूज़ किया, मुझे लगता है अब वो इतना बड़ा इशू आपके लिए नहीं है. जो आपको ये हुआ ना कि आपकी ईगो हर्ट हुई कि मेरे ऊपर कोई और औरत आई है, मुझे ये फीलिंग आई इस 1.5 घंटे में, तो इसमें कितनी सच्चाई और हकीकत. ओके, ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था. एक दफ़ा मुझे शक हुआ क्योंकि वो घर आए और मेरी बेटी ने कहा बाबा लिपस्टिक क्यों है आपकी शर्ट पे, फिर वो हंसने लगे, तो फिर मुझे अजीब सा मुझे लगा और मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैं बहुत आइसोलेटेड थी, बहुत शेल्टर्ड थी, और मुझे यकीन नहीं आया कि ये तो नहीं हो सकता. अच्छा, क्यों यकीन नहीं आया? जब एक बंदा इतना कुछ कर सकता है तो ये भी कर सकता है. बिकॉज अगर कोई आपकी जिंदगी पे कसम खाए, कुरान पे कसम खाए, तो आप उनका यकीन करते हैं. इसका मतलब पहले इस बात पे बात हो चुकी थी. जी, मैंने कहा कोई अगर कोई है, अगर आपको कोई और पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो नहीं आपकी पसंद में हूँ अब, तो फिर बताएं, मुझे बता दें, सच बताएं, और मैं कुछ नहीं कहूँगी. मैं कहूँगी कि ठीक है, फिर हम यू नो सेपरेशन ले लेंगे या कुछ. उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं है, और कभी इस बात फिर ये फिर से ना कहना मुझे, हमारी फैमिली में तलाक नहीं होता. आई मीन सॉरी, उनकी आधी फैमिली में तलाक हुए हैं और वैसे कहते हैं. बट आई एम लाइक, लुक, मुझे भी कोई शौक नहीं है तलाक का, बट अगर आप किसी और के पास होना चाहते हैं देन जस्ट बी ऑनेस्ट एंड बता दें, और इट्स फाइन, आई विल एक्सेप्ट इट. बट नहीं, और उन्होंने कसम खाई. और जी बिल्कुल कसम खाई, एंड आई चोज टू बिलीव इट. उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो ऐसे वो लोग ऐसे फ्लर्ट करते हैं, और मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं उनको कहता हूँ नहीं मैं शादीशुदा हूँ, और मैंने उनके बात पे यकीन लिया. लेकिन सेपरेशन के दौरान मुझे सारा कुछ पता चल गया, बिकॉज उस वक्त फिर लोगों ने मुझे बताया, मेरी एक्स से पहले ही आपको पता चल गया था? बिल्कुल, किसी ने नहीं, जो बच्ची ने बात की. सेपरेशन के बाद जब मैंने डिवोर्स फाइल किया, फिर मुझे रोज फोन कॉल्स आने लगे पूरे पूरे इस्लामाबाद से, मेरी एक्स मेड से, ओ ये यू नो ये बाजी आई थी, आप 2 दिन के लिए इधर नहीं थी, यू नो बेबी हो रहा था, वो बाजी आई थी, और यू नो मुझे तो बहुत बुरा लगा. और मैंने कहा कि अगर किसी से शादी करनी है, आई मीन ऑनेस्टली. अच्छा, नहीं आपने कहा ना, बेटी ने कहा कि बाबा आपकी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान, तो इतना बुरा है छोटी बच्ची. हाँ. मैं क्या और तो भी चीजें हैं जो मैं टीवी पे नहीं कह सकती हूँ, जो मेरी बच्चियों ने देखा. झगड़ा तो हुआ होगा ना तब? तो आप घर पे नहीं, झगड़ा नहीं हुआ. आपने कुछ फिर मैंने उनकी बात का यकीन किया, और फिर भी बस मैं वो भी किसी की बीवी थी,
ये भी किसी का शोहर था, ये उनकी, it's on their conscience. I'm not judging. इस वक्त वो जो relationship में जो भी मसाले थे, उस औरत को तो कुछ नहीं, वो relationship ही खत्म हो गया तो उसको क्या discuss करना, that's pointless. That's वैसे ही time जाया करने वाली बात है. एक चीज जो खत्म हो गई है वो okay. हमारे पास अभी तकरीबन सिर्फ 10 मिनट है. मैं चाहूँगी अपना अपना point of view आप लोग दे दें. I think कि इस वक्त जो आई थिंक आप सिर्फ नहीं बल्कि जितने भी लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, अलग होने में कोई बुराई नहीं है, यह आपका राइट है, हर कोई सारी ज़िंदगी साथ नहीं रह सकता, मगर एक चीज़ जो आपने दोनों ने मिलकर बनाई है शादी के अंदर, बच्चे, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी शादी में जो चीज़ होती है वो बच्चों का वेलफेयर होता है, उनका हर किस्म का वेलफेयर, उनके, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगी कि उनके जो लीगल राइट्स हैं एज चाइल्ड वो, और उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. शादियाँ, इंसान अलग हो जाते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, हमने अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हुई हैं, बट जब बच्चे, उनकी तो ज़िंदगियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो जो पेरेंट्स बच्चों के ऊपर उनको खींचते हैं और वो एक टग ऑफ वॉर हुई होती है, जैसे बच्चे रबर बैंड की तरह से यू नो खिंच जाते हैं, ये टाइम पर्सनैलिटी बिल्डिंग का होता है. सो आई थिंक अगर वो शख्स हमारा, क्योंकि आई एम श्योर कि वो, मतलब मुझे पता है कि वो हमारा शो देख रहे हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगी कि उनको क्या करना चाहिए? ऐसे तो फटा झगड़ा लड़ाई चलती रहेगी. बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर वो ये महसूस करते हैं कि उनकी कोई एंटाइटलमेंट है, बच्चे मेरे हैं, हम सब ऐसा समझते हैं, मेरे बच्चे, हम कहते ही मेरे बच्चे हैं, उनको एक छोटे इंसान की तरह देखें और ये देखें कि इस वक्त उन्हें क्या चाहिए और उनकी ज़रूरत क्या है. देखें, ये तो हमारी अकल काम करती है क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, और एक आफाकी पैगाम है जो कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर किसी मंतिक लड़ाने की ज़रूरत नहीं है. उसको अगर एज इज़ ले लें तो हमारी ज़िंदगी बड़ी बेहतर हो जाएगी. कुरान पाक ने कामयाबी और तस्कीन, जिसको हम सुकून की तलाश कह रहे हैं ना, मेरी बहन रो रही है, दायरे सुकून नहीं है, जो लोग परेशान हैं सुकून नहीं है, लोगों की बेटियाँ घर में आबाद नहीं है सुकून नहीं है, तो कुरान पाक ने कहा हमने तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो. पहली चीज़ रिश्तों का एहतराम मियाँ और बीवी का. दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, हमने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इससे सुकून हासिल करो और दिन में अल्लाह का फजल तलाश करो. हम रातों को ज़ाहिर जागते हैं इसलिए सुकून नहीं है हमारी ज़िंदगी में. तीसरी चीज़ कुरान ने पाक ने कही कि हमने तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया, यानी घर के अंदर सुकून है, घर के बाहर सुकून नहीं है. ये शादीशुदा मियाँ बीवी हजरात सुन लें, सुकून घर के अंदर है, घर के बाहर, मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको कह रहा हूँ, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, घर के अंदर सुकून है. फिर कुरान पाक ने एक और जगह बताया तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए बाई से सुकून हो सकते हैं. उसने मियाँ बीवी को अलग बताया, दोस्त को अलग बताया, और गारे सवार का वाक्य बताया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का. एक दोस्त ज़िंदगी में ज़रूर तलाश करें जो आपको किसी अच्छाई की तरफ बता सके और आपकी अपनी गलती भी आपको बता सके. और सबसे आखिर में जो बेहतरीन बात फतेह मुबीन जिसको कुरान पाक ने कहा, वो है अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए, अपने मौक़िफ़ पे सही होते हुए, हक पे होते हुए पीछे हट जाने वाले, सुलह करने वाले, अल्लाह उनको फतेह मुबीन देता है. यानी ये बहुत आसान बात है कि ये मेरा राइट है, ये बिल्कुल सही है, मैं सही हूँ, मेरे पास पावर है, ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन वो कुरान ये कह रहा है कि अपने मौक़िफ़ पे सही होते हुए पीछे हट जाने वालों को, सुलह करने वालों को अल्लाह फतेह मुबीन देता है. तो जिसको अल्लाह फतेह मुबीन दे उसको बंदे क्या जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे. अगर हम इन उसूलों के ऊपर जो कुरान पाक ने तस्कीन के नाम से, वर्ड के नाम से लिखा हुआ है, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये लेके आए, तो हम ऐसे बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं. अगर वो हज़रत सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो बड़ी सिंपल सी इल्तिजा है. मैं भी एक मदर हूँ, एक पेरेंट हूँ, मेरी भी डिवोर्स हो चुकी है एक दफ़ा, अब और मेरे बच्चों का मेरे एक्स हस्बैंड से ताल्लुक़ ख़राब नहीं हुआ, ना उन्होंने मेरे साथ बच्चों का ताल्लुक़ ख़राब करने की कोशिश की, ना मैंने, क्योंकि बच्चे लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं. ये नहीं है कि 6 महीने आपने रखना है, 2 वीकेंड्स दूसरे पेरेंट ने देखना है. ये बच्चों के लिए इमोशनली बहुत गलत चीज़ है. और अगर दो लोगों के दरमियान नफ़रत है, नफ़रत नहीं होती, कंपैटिबिलिटी नहीं होती, दो लोगों का जहनी मिजाज नहीं मिलता, हर शख्स हर रिश्ते में बुरा नहीं होता,
हो सकता है एज अ हस्बैंड बहुत अच्छे वो आपके साथ ना रहे हों, लेकिन एज अ फादर वो आप नहीं उनको जज कर सकती, वो बच्चों का उनका ज़ाती रिश्ता है वालिद के साथ। हो सकता है वो भाई बहुत अच्छे हों, बेटे बहुत अच्छे हों, और आप भी शायद कंपैटिबल नहीं थी उनके साथ। बेजोड़ शादियां होती हैं कहीं, लेकिन शख्स से नफरत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने एक बात की जो डॉक्टर इमरान ने भी की, आपने भी की, कि आप देखें कि वो बाकी रिश्तों के साथ कैसे हैं। सही, ठीक है। एक तरफ हम ये बात करें, अगर सारी लड़कियां वो बात सुन के जज करना शुरू करें लड़कों को, क्या बहन के साथ बड़ा अच्छा है, माँ के साथ अच्छा है, बट हो सकता है वो बीवी के साथ अच्छा ना हो। अब ये तो दो बातें होंगी ना, आप लोगों ने कहा या तो रिश्तों को देखें बाकी रिश्तों के साथ कैसा है। अब ये हम कह रहे हैं कि कुछ रिश्तों में बेटा बात अच्छी, बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा होने का मतलब ये है कि जायज और नाजायज की भी तो बात होगी ना, हक और नाहक की भी बात होगी ना। अगर वो अपने अगर रिश्तों के अंदर वो अपने खूनी रिश्तों के अंदर नाहक के साथ भी अच्छा है तो वो अच्छा नहीं है। हाँ, बात सारी हो रही है हक के ऊपर। हाँ, हक के ऊपर जो है वो कितना अच्छा है। बच्चों को अपने वालिदैन से भी गिला होता है कि एक बच्चा ज्यादा फेवरेट है, उसका ज्यादा ख्याल करती, वो तो आपकी ईगो के मसले हैं, आपकी अना के कुछ मसाइल हम लोगों के खुद के क्रिएट किए हुए हैं, और बच्चों को इस तरह माशरे में तमाशा नहीं बनाना चाहिए। मैं अभी लालीन से पूछना चाह रही हूँ कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं आपको दोबारा रुलाना चाह रही हूँ। Why did you cry? आप क्यों रोए? क्यों रोए? क्या क्या तकलीफ दे रही है बात इस वक्त, और आप क्या चाहते हैं? क्योंकि मैं सिर्फ एक औरत हूँ, बस सब में इतना हमने इतना बर्दाश्त करना होता है, एंड इट्स नॉट फेयर। हम भी तो इंसान हैं, हर वक्त हमें जलील किया जाता है, हमने बर्दाश्त करना होता है हर टाइप की चीज़, और फिर भी बताया जाता है कि तुम्हारी फॉल्ट है, जाके सुलह करो, जाके सुलह करो। आई मीन मैंने कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज साहब से कहा कि आप हज़रत ज़ैनब की स्टोरी नहीं जानते। हज़रत ज़ैनब की स्टोरी, वो हमारा हक होता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है, मज़हब में भी और कानून में भी बिल्कुल कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। एंड वन ऑफ द रीज़न्स फॉर माय सेपरेशन वाज, मैंने बच्चियों को देखा कि मेरी बच्ची ने एक दिन कहा कि मामा हर वक्त रो रही होती है और बाबा हर वक्त गुस्से में होते हैं, तो मैंने कहा ये मैं कैसी ज़िंदगी इनको दे रही हूँ। Better to have two happy households. मैंने उनको कहा double the love than this. क्योंकि I don't want them to grow up and make the wrong choices. I don't want them to think that they're not good enough. I want them to have confidence. I want के हमारी generation और next generation और generations के बाद implementation of the law bhi ho aur society social change bhi aaye, because abhi to bahut hai ki shame, log kya kahenge, ye kyun keh rahi hai wo, ye kyun post kar rahi ho, you know, not just me but all kinds of women. Lekin that is why I have chosen to go public. Agar aapke ex husband bacche aapko de de aur kabhi kabhi mil liya karein, jo ki unka bhi right hai, theek hai, to aap sukoon mein aa jayenge? No problem with it. Main kehti bhi hu ke लाहौर शिफ्ट हो जाओ। जज साहब ने भी उनको कहा आप लाहौर क्यों नहीं शिफ्ट होते, वहाँ पे आपका घर है, वहाँ पे आपका कारोबार है, शिफ्ट हो जाएं, बच्चों से मिले। मैंने कहा बिल्कुल, दैट्स परफेक्ट। फिर आपको कोई शिकायत है अगर वो आपको बच्चे दे दें और बच्चों को अज़ियत ना दे तो आपको फिर उनसे कोई शिकायत? बिल्कुल। आई वॉन्ट देम टू हैव अ गुड रिलेशनशिप अपने बाप के साथ, उनकी फैमिली के साथ, बिकॉज ये रिश्ता तो नहीं टूटता। मतलब मुझे लगता है कि मुझे लगता है पेरेंट्स का रिश्ता नहीं टूटता, हस्बैंड से प्यार भी बहुत किया है, बहुत प्यार किया मुझे ऐसा लगता है, है ना? मुझे अपना नाम, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं चला। जरूरी नहीं कि वो बुरे इंसान हो, जरूरी नहीं कि आप बुरे इंसान हो, दो अच्छे लोग भी आपस में नहीं ज़िंदगी गुजार सकते, वही वाली बात है। लेकिन लास्ट में सिर्फ ये कहूँगी कि सर अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो ठीक है, आप भी गुस्से में होंगे, आप भी शो देख रहे होंगे, आपने भी जिस तरह बात की, जो भी कहा, आपका लॉयर बात करेगा, बिल्कुल बात करें और हम भी बात करेंगे, तो वो बात नहीं है। मैं अभी ऑनेस्टली बहुत दिल से बोल रही हूँ, लेकिन सिर्फ आपसे ये कहूँगी कि आप दोनों की जंग में, आप दोनों की जो ईगो और अना की जंग है
उसमें बच्चे सफर कर रहे हैं और बच्चे सिर्फ आपके नहीं है, अमल जो है वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो इनकी बेटी भी है। मीशा जो मीशा और ईशा वो सिर्फ आपकी बेटियां नहीं है, इनकी बेटियां भी हैं और वो मुस्तकबिल की माएँ भी हैं, मुस्तकबिल की बीवियां भी हैं। तो आप खुदा किसी और बेटी को इतना ना तड़पाएं। मुझे लगता है कि कल मैं अब कहीं पढ़ रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, और आगे मैंने पढ़ा कि मुझे माफ़ कर दो, और आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, लेकिन आज जब मेरी बेटी पैदा हुई है तो आज मैंने सोचा कि मैंने किसी और की बेटी को बहुत तकलीफ़ दी थी, और अल्लाह ना करे कि कभी उसकी ज़िंदगी में ऐसा शख्स आए कि उसको इतनी तकलीफ़ दे, इतनी अज़ियत दे जो मैंने तुम्हें दी। और औरत का जवाब क्या कि मैं उसके लिए दुआगू हूँ तुम्हारी बेटी के लिए कि अल्लाह करे कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारा जैसा शौहर ना मिले, तो वैसे शौहर ना बने, वैसे बाप ना बने कि कोई ये बोले कि यार ऐसा बाप किसी का ना हो, ऐसा शौहर किसी का ना हो। अपनी बेटियों की रिस्पेक्ट करें। इस वक्त आप दोनों अपनी ईगो और अना की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन सफ़र आपकी बच्चियां कर रही हैं। जवाबदेह कल आपकी बच्चियां होंगी, स्कूल जाएंगी शर्मिंदा आपकी कहीं ना कहीं बच्चियां होंगी, वीक आपकी बच्चियां पढ़ रही हैं, कमज़ोर वो हो रही हैं, मेंटली उन पे क्या गुजर रही होगी, उनका फ्यूचर क्या बनेगा आप सोचें। मैं आपसे हार जोड़ के कहती हूँ, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, इस खातून से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं आपसे पहले जानती भी नहीं थी, मैं कभी मिली भी नहीं। बच्चों की ज़िंदगियों के साथ मत खेलें सिर्फ अपनी अनाओं की जंग की वजह से। इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी, और मेरी दुआ है कि आपकी बच्चियां बड़ी होकर ये बोलें कि मेरा शौहर जो हो मेरी बाप की तरह हो और वो अपनी माँ जैसी माँ बनना चाहें। खुदा नाराज़गी की कोई वजह तो बताई होती, हम जमाने को छोड़ देते तुझे मनाने के लिए। क्या आपका अपना है कोई आपसे नाराज, या आपको भी हुआ कभी सच्चा प्यार, तो आप भी बन सकते हैं हमारे शो का हिस्सा।